अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एन. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की एन है. इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोथ आर डबल्ड, यानी बाद वाली लेंथ है पहली वाली लेंथ का डबल, उसी तरह बाद वाला रेडियस है पहले वाली रेडियस का डबल 2R. कीपिंग द टेंशन सेम, बाद वाला टेंशन उतना ही है जितना पहले वाला टेंशन था. देन द न्यू फंडामेंटल, देन द न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. तो न्यू फ्रिक्वेंसी हम लोगों को मालूम करना है, नई फ्रिक्वेंसी कितनी होगी. ठीक है, चलिए हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग. फॉर्मूला है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू. अब ये तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम म्यू के बजाय इन टर्म्स ऑफ रेडियस फार्मूला ड्राइव करना चाहेंगे. इसलिए 1/2L एज इट इज, अंडर रूट टी बी एज इट इज, और ये म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ. इसको लिख लेता हूँ मैं, मास डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर. वायर यहाँ सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होगा, यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा एन इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी इंटू एल अपॉन मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ. ये लेंथ इस लेंथ को खत्म कर देगा, यानी एन इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय रो इंटू, ये को लिखा जा सकता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. ये आर स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर बुला लेता हूँ. यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बना 1/2RL अंडर रूट टी बाय पाई टाइम्स ऑफ रो. ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, हमने वायर को चेंज नहीं किया है, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है. उसने मेंशन किया टेंशन कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है. इसलिए लिखा जा सकता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लेंथ. यानी हम लिख सकते हैं बाद वाली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अपॉन पहले वाली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन चल रहा है तो ऊपर आ जाएगा R1L1 और नीचे आ जाएगा R2L2, जिसे हमने डैश कहा है. इसलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RL और नीचे के लिए लिख लेता हूँ R' और L'. ठीक है, अब बस डेटा पुट करना है, पुराने वाला रेडियस और पुरानी वाली लेंथ एज इट इज. नया रेडियस कितना है 2 times ऑफ ओल्ड रेडियस, और नई लेंथ कितनी है 2 times ऑफ ओल्ड लेंथ. ये दोनों हो जाएंगे खत्म, यानी रेशो बना 1/4 इज इक्वल टू N'/N. यानी नई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू N/4 होनी चाहिए, N' शुड बी इक्वल टू N/4. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझो. लेट गामा 1 बी द रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी जैसे हमारा आमतौर पर एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है CP/CV, पहली गैस के लिए गामा 1 है. ठीक है, और ये जो गैस है वो है मोनो एटॉमिक गैस, ये मोनो एटॉमिक है, गामा 1 ये मोनो एटॉमिक के लिए है. उसी तरह गामा 2 बी द सिमिलर रेशो फॉर डायटॉमिक गैस, और दूसरी गैस जो दी हुई है वो डायटॉमिक है, उसके लिए रेशो यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू गामा 2 है. ठीक है, कंसीडरिंग द डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर, मतलब उसमें ऑसिलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होंगे, 2 रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे डायटॉमिक में. आपको रेशो पता करना है गामा 2 डिवाइड बाय गामा 1 का. इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा कैन बी रिटन एज 1+2/F, लेकिन यहाँ सेकेंड वाले का 1+2/F डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट वाले का. अब डेटा लिख लीजिए 1+2/ डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक के लिए कितना है 5 अपॉन 1+2/ मोनोटॉमिक के लिए कितना है 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 5 5+2 ये हो जाएगा 7/5 और नीचे आ जाएगा 3+2 5/3. ठीक है, यानी लिखा जा सकता है 7/5 एज इट इज, और ये जो 5/3 है इसको अगर हम उल्टा कर ले तो ये हो जाएगा 3/5, यानी 7 × 3 = 21 और 5 × 5 = 25. ये रेशो आना चाहिए गामा 2 डिवाइड बाय गामा 1, चेक कीजिए 21/25, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझे. अ रेलवे ट्रैक इज बैंड फॉर अ स्पीड v बाय एलिवेटिंग आउटर रेल बाय अ हाइट h. तो मान लेते हैं कि इस तरीके की बैंकिंग दी गई है, ये आउटर रेल है, इसको इनर रेल के कंपेयर में कुछ हाइट से उठाया गया और ये डिस्टेंस h के बराबर है. मान लीजिए एक एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, यहाँ से रेल v वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है अबव द इनर रेल. द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल इज d. तो यहाँ एक रेल और यहाँ दूसरी रेल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d के बराबर होगा. ठीक है, लेकिन आमतौर पर ट्रेन के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत छोटा होता है. अगर एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत छोटा है तो जितना ये डिस्टेंस होगा यानी हाइपोटेनियस, उतना ही एडजेसेंट लेयर का भी डिस्टेंस होगा d, क्योंकि ये हाइट की वैल्यू बहुत कम होती है, ट्रेन्स के लिए ज्यादा बैंकिंग नहीं दी जाती.
देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक, तो आपको पता करना है कर्वेचर का रेडियस कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन ऑफ थीटा, यानी v स्क्वायर कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा। हमको यहाँ रेडियस की इंफॉर्मेशन चाहिए, v स्क्वायर एज इट इज, r एज इट इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज। अब यहाँ से हम tan थीटा के बारे में सोचते हैं, ये ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड h के बराबर, एडजेसेंट साइड d के बराबर, मतलब tan थीटा की जगह पर आ जाएगा h डिवाइडेड बाई d। हमको पता क्या करना है, वी नीड टू फाइंड r, सो r इज इक्वल टू, यहाँ r एज इट इज है v स्क्वायर, इसके मल्टीप्लीकेशन में d चला जाएगा और नीचे आ जाएगा g टाइम्स ऑफ h, ये रेडियस की वैल्यू होनी चाहिए। चेक कीजिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ठीक है, इन द गिवन कैपेसिटिव नेटवर्क द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो हमको मालूम करना है कि पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सबसे पहले तो फोकस करते हैं कैपेसिटर सी फाइव और सी सिक्स पर। अगर ये दोनों कैपेसिटर को हम देखें तो ये दोनों कैपेसिटर का इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब यहाँ पे करंट यानी चार्ज डिवाइड होने वाला है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के एडिशन के बराबर होगा, यानी C1 प्लस C2, जो यहाँ के केस में C4 प्लस C6 है। ठीक है, C4 की वैल्यू कितनी, सॉरी C5 प्लस C6 है। फिफ्थ कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड, और सिक्स्थ वाले की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों कैपेसिटर हटाकर, ये दोनों कैपेसिटर हटाकर यहाँ सिर्फ एक अकेला कैपेसिटर लाया जाएगा जिसका वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड होगा। ओके, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ ये 8 माइक्रोफेरेड और ये 8 माइक्रोफेरेड, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज अरेंजमेंट में हैं। अगर ये दोनों सीरीज अरेंजमेंट के अंदर आ जाते हैं तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ के केस में हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, जो होता है 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8 यानी 1/4। तो हमको पता चला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में उन दोनों का 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स को निकाल कर हम यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड के बराबर होंगी। ठीक है, अब और आगे बढ़िए, अब हम करते हैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ। ये पहला कैपेसिटर है, कितना है, 8 माइक्रोफेरेड का। उसके बाद नीचे की तरफ ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना कैपेसिटर आया, ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, ये C3 और C4 हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद C2 की बात करते हैं, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 8 माइक्रोफेरेड। और उसके बाद C5 और C6, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट, अभी हमने देखा दैट इज द 8, सॉरी ये दोनों 4-4 माइक्रोफेरेड के मिलकर हो जाएंगे 8 माइक्रोफेरेड, और यहाँ सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एंड पॉइंट है पॉइंट बी, बराबर, सर्किट समझ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड अगेन कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। तो ये दोनों कैपेसिटर्स की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लाया जाएगा, 8 और 8 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट कितना होता है, 8 और 8 का इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफेरेड होता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आ गया 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, चलो 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड को निकालकर यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाएगा जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड के बराबर होंगी। मैं सर्किट और एक बार ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, साथ में क्या है, 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और ये दोनों 8 और 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, कितना है, 4 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो अभी हमने सॉल्व किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफेरेड के बराबर। इस वजह से यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक और मरतबा रीड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ए है और साथ में कौन है, 8 माइक्रोफेरेड, और ये पूरे सर्किट के कैपेसिटेंस सॉल्व हो गए, यहाँ पे एक और कैपेसिटर आ गया दैट इज 8 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे एंड पॉइंट है पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों 8 माइक्रोफेरेड सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर को निकाल कर सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाएगा जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड के बराबर होंगी। दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और यही हमारा आंसर होगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 4 माइक्रोफेरेड। समझा? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट टू पॉइंट्स फॉर द पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा बाय 4 एंड लैम्ब्डा बाय 3 आर I1 एंड I2। यानी जब पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा बाय 4 का था उस वक्त इंटेंसिटी I1 के बराबर थी,
और जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 के बराबर था उस वक्त इंटेंसिटी आई 2 के बराबर थी। ठीक है, इफ आई नॉट डिनोट्स द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाई ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट, हर एक स्लिट ना आई नॉट के बराबर इक्वल इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको आई वन प्लस आई टू अपॉन आई नॉट की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लैम्बडा बाई 4 यानी पाथ डिफरेंस कितने फेज डिफरेंस के बराबर होता है। लैम्बडा को लिख सकते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ फेज यानी 2 पाई डिवाइड बाई 4, मतलब पहले वाला फेज एंगल आ जाएगा फाई वन इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये काम की चीज़ है। उसी तरीके से दूसरा फेज एंगल निकालेंगे, ये है लैम्बडा बाई 3, लैम्बडा बाई 3 यानी 2 पाई डिवाइड बाई 3 यानी 2 इंटू 120, यहाँ पे अगर हम 180 रख दें तो 3 वन जा 3 सिक्स जा और यहाँ पर 5 2 की वैल्यू लिखी जा सकती है 120 डिग्री, ये ज़्यादा समझने में आसान होगा, और ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझे। अच्छा, अगली चीज़ हमको ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो जानते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू और कॉस ऑफ फाई। ठीक है, यहाँ फाई के माने फेज के हैं। यहाँ से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे तो मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू और कॉस ऑफ फाई 2 ए वन ए टू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख सकते हैं। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा पहले के इंटेंसिटी का स्क्वायर, पहले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी आई वन प्लस दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी आई टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ फाई। आगे बढ़िए, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है, क्योंकि उसने दिया है दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, यानी बन जाएंगी आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट इंटू आई नॉट, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट और कॉस ऑफ फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। अब हम पहले की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, सो आई वन आई नॉट प्लस आई नॉट कितना हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस ऑफ फाई, यहाँ पर आ जाएगा पहले का फेज एंगल 90 है यानी कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए लिखा जा सकता है आई वन इज इक्वल टू 2 आई नॉट, ये काम की चीज़ है, इसको हम उठा कर रखेंगे। अगली बात, यहाँ पे हमको दूसरे की भी इंटेंसिटी निकालना है, तो आई टू बराबर हो जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट, ये हो गया 2 आई नॉट, और फेज एंगल कितना है जी, यहाँ पर फेज एंगल की वैल्यू 120 है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, सहूलत के लिए कॉस ऑफ 120 को अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि बाद में डेटा रखने में आसानी हो जाए। कॉस ऑफ 120 बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस 30, यहाँ हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी साइन 90 इंटू साइन 30। अब जरा तेज कैलकुलेशन करते हैं, कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 की 1/2, यानी कॉस ऑफ 120 डिग्री को लिखा जा सकता है माइनस 1/2। इसकी वैल्यू उठाकर ऊपर की इक्वेशन में रखेंगे तो हमको पता चलेगा आई टू बराबर कितना 2 आई नॉट एज इट इज प्लस 2 आई नॉट एज इट इज, और कॉस ऑफ फाई की जगह पर हम लिख लेंगे माइनस वन बाई टू, ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, यानी इक्वेशन बनी आई टू इज इक्वल टू 2 आई नॉट माइनस आई नॉट, यानी आई टू की वैल्यू आ चुकी है आई नॉट के बराबर। समझ गया, ठीक है, ये दूसरे की इंटेंसिटी है। अब हमको जो निकालना है हम उसकी तरफ वापस आते हैं। वी नीड टू फाइंड आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई आई नॉट, वैल्यूज लिख लीजिए। आई वन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है 2 आई नॉट, उसी तरह आई टू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट, यानी लिखा जा सकता है 3 आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट, ये आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 3, तो रेशो आना चाहिए 3:1, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझा, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन से वो अपना मोशन शुरू कर रहा है विद एन एम्पलीट्यूड स्मॉल a एंड टाइम पीरियड कैपिटल t। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल टू a बाई 2, x इक्वल टू a बाई 2 पर उसकी स्पीड कितनी होगी हमको मालूम करना है। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको वेलोसिटी मालूम करना है जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की वैल्यू हो रही है a बाई 2, सो x स्क्वायर की जगह पर a बाई 2 का होल स्क्वायर। डेटा लिख लेंगे ओमेगा एज इट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 4,
जैसा डेटा दिया हुआ है इसलिए हम ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी अंडर रूट, ये हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आगे बढ़ते रहिए, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी अंडर रूट 4a² माइनस ए स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 3a² डिवाइड बाई 4। यहाँ से पता चला अगर हम 2 पाई एज इट इज रखें, कैपिटल टी एज इट इज रखें, यहाँ ए स्क्वायर बाहर आकर ए हो जाएगा, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा 3, ये 2 इस 2 को खत्म करेगा। सो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए पाई ए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये हमारे वैल्यू होना चाहिए गिवन वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई ए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई टी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज सीपी एंड सीवी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी देन सीवी इज इक्वल टू, चलिए जी हम रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेस रिलेशन कहता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, हमको सीवी की वैल्यू निकालना है। दूसरा रिलेशन क्वेश्चन में ही दिया है उसने, क्या दिया है सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, यहां से पता चला CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ CV, इस वैल्यू को उठाकर ऊपर रख लीजिए, CP की जगह पर हम लिख लेंगे CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ CV, और यहां पहले से ही माइनस CV एज इट इज है, माइनस CV इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, यानी CV अगर हम कॉमन निकाल दें इक्वेशन के अंदर बचेगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, यानी CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ये सही रिलेशन होना चाहिए, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। सो चेक कीजिए ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, समझ आया। रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 ओहम पर मीटर, लिख लेता हूं मैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है 2 ओहम डिवाइड बाय मीटर पर मीटर, 1 मीटर में 2 ओहम का रेजिस्टेंस है। A cell of 1.5 volt balance at 300 centimeter, यानी अगर length 300 centimeter हो जाती है तो potential कितना drop होगा वहां पर, potential 1.5 volt के बराबर drop होगा। The current through the wire, आपको current पता करना है, हम लिख सकते हैं I is equal to V by R, हमको इतना तो पता है कि पूरे वायर में आने वाला पोटेंशियल 1.5 वोल्ट के बराबर है, लेकिन हमको रेजिस्टेंस नहीं पता। अलबत्ता हम पता कर सकते हैं कि 1.5 वोल्ट यानी 300 सेंटीमीटर में आने वाला रेजिस्टेंस कितना है। सो यहाँ R को अननोन रखेंगे और लेंथ की जगह पर 300 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर रख लेंगे, इज इक्वल टू R बाय L यानी 2, यानी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 ओहम, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, रेजिस्टेंस को यहां उठा कर रख लीजिए 1.5 1 जा 1.5 4 जा, सो रेशो आना चाहिए 1 बाय 4, 1 बाय 4 के माने होते हैं 0.25 एम्पियर या दूसरे मानों में 250 × 10⁻³ एम्पियर, सो आंसर आना चाहिए 250 मिली एम्पियर, इतना करंट पोटेंशियोमीटर से फ्लो कर रहा होगा, तो करंट शुड बी 250 मिली एम्पियर, चेक कीजिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A, B and C are three parallel conductors of equal length and carry current I, I and 2I respectively as shown in the figure. तो जैसे फिगर में बताया गया तीन कंडक्टिंग वायर है A, B और C, इन तीनों में करंट है, A में I अमाउंट का करंट है, B में I अमाउंट का करंट है और C में 2I अमाउंट का करंट है, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताया गया, A के अंदर अपवर्ड, B के अंदर अपवर्ड और C के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस AB एंड BC इज सेम एज स्मॉल d, तो AB के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d और BC के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल d के बराबर है। इफ F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन A, देन हमको मालूम करना है उन दोनों फोर्सेस का नेचर क्या होगा। सबसे पहले पता करते हैं F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, तो B की वजह से A पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स, उसका रीजन यहां आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम A पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा B कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट की वजह से, तो हम यहाँ राइट हैंड थम रूल यूज करेंगे, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि राइट हैंड के थम को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो कर्ल फिंगर्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल फॉर्म में बनेंगी, तो यहाँ पे इनवर्ड जाती हुई और यहाँ बाहर की तरफ आउटवर्ड आती हुई। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ डॉट नजर आएगा, यहाँ डॉट हमको नजर आएगा बराबर, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। सो हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए बाय बी, बी की वजह से ए पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड।
अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यहाँ के केस में स्मॉल डी के बराबर है, और बी में फ्लो करने वाला करंट कितना है आई, इसलिए ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई। अब हम ऐसा करेंगे, बी की वजह से ए पर लगने वाली फोर्स का अंदाजा लगाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी, इसका दूसरा तरीका सिंपल सा ये है कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, जो ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए जो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब आउट ऑफ द पेपर हमारी तरफ, और मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखिए। तो मिडल फिंगर ऊपर हो गई, फर्स्ट फिंगर बाहर की तरफ हो गई, थंब किस तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन, इसे हम F1 कहते हैं, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब फोर्स हमको निकालना है, अगर हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले ले, डायरेक्शन तो हमारे पास आ गया, इसलिए फोर्स की जगह पर आई और एल की जगह पर कितना, एल की जगह पर कंडक्टर की लेंथ एल, जो कि इक्वल है, दिया हुआ है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू डी। ये आ जाएंगी पहली फोर्स जिसको उसने क्वेश्चन में F1 कहा है, ठीक है। ये पहली कहानी मुकम्मल हुई। अब उसके बाद की बात करते हैं, एंड F2 इज फोर्स एग्जर्टेड बाय C ऑन A। तो C ने A पर जो फोर्स एग्जर्ट किया, अब बात करते हैं C की तरफ से लगने वाली फोर्स। पहले ऐसा करेंगे, C की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदाजा लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन A बाय C। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगेन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम थंब का इस्तेमाल करें तो फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, तो यहाँ पे बनने वाला सर्कल कुछ ऐसे अंदाज में होगा कि यहाँ पे उंगलियां अंदर की तरफ जाती होंगी, सी से बाहर निकलती हुई, बाहर निकलती है, इसका मतलब यहाँ पे आपको डॉट नजर आएगा और यहाँ पे आपको क्रॉस नजर आएगा, बराबर। डॉट कहाँ और क्रॉस कहाँ, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ राइट हैंड थंब रूल यूज करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो ए की तरफ अंदर जाती हुई उंगलियां है, अंदर जाती हुई, और सी की तरफ बाहर निकलती हुई, तो यहाँ क्रॉस आ गया। और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, लेकिन आई कितना है, आई यहाँ आई डैश ले लेते हैं, बाद में 2i करंट की वैल्यू ले लेंगे, इनटू 2π इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अभी मैं डी डैश ले लेता हूँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी म्यू नॉट इनटू, करंट कितना है, करंट है डबल यानी 2i, और डिस्टेंस भी है डबल, इसलिए 2π इनटू 2d आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पुरानी वैल्यू की बन रही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π इनटू डी। ये मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है ऑन ए बाय सी, ए के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सी की वजह से, समझ गए इतना। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स का डायरेक्शन समझ लें। अगेन वही चीज, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, जिसके अंदर हम फिंगर को लेकर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रही है, फिंगर डायरेक्ट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड है, फिंगर्स ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब फोर्स किस तरफ आ रही है, फोर्स लेफ्टवर्ड आ रही है। ये हमारी F2 का वैल्यू हो गया। अब अगर F2 का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो F2 विल बी इक्वल टू, अगेन वही बात है, करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, और L कितना है, दो तीनों कंडक्टर की लेंथ सेम है, इसलिए L, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π इनटू D, ठीक है। फोर्स किस पर निकालना है, A पर, इसलिए A का करंट और A की लेंथ और A पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमको सोचना पड़ेगा, इतना समझ गया। अब ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, देखो पहली फोर्स में आए हैं, यहाँ भी आए हैं, दूसरी पर L है, यहाँ भी L है, यहाँ म्यू नॉट आए हैं, यहाँ भी म्यू नॉट आए हैं, नीचे है 2πd, यहाँ भी है 2πd, इसलिए हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है। लेकिन देखो डायरेक्शन, F1 किस तरफ है, राइटवर्ड, और F2 किस तरफ है, लेफ्टवर्ड, इस वजह से माइनस आना चाहिए। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अलबत्ता डायरेक्शन अपोजिट होगा, इस वजह से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट P एंड 27P आर लोकेटेड ऑन अ लाइन आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन विद देयर सेंटर्स 24 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लीजिए कि ये पहला डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P है, और मान लीजिए कि दूसरा डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट 27P है। ऐसा कि इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 24 सेंटीमीटर। इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। द डायपोल मोमेंट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए पहले का डायपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, तो दूसरे का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिसको ओ नाम दिया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आने वाली है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आने वाली है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमको यही पता करना है
एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिटवीन द डायपोल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ मोमेंट पी, मतलब यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, तो पूरा डिस्टेंस 24 था, तो दूसरे डायपोल के सेंटर से बचने वाला डिस्टेंस हो गया 24 माइनस आर, ये दूसरे डायपोल से आने वाला डिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ पे आने वाली पॉइंट ओ पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की वजह से और दूसरे की वजह से ये दोनों इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। क्योंकि एक्सिस के ऊपर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्सिस पे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp बाय आर क्यूब बराबर। उसी तरीके से दूसरे के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2kp2, क्योंकि दूसरे का डायपोल मोमेंट और r2 का क्यूब, कुछ कैंसिल होगा, 2 into k कैंसिल, p1 की जगह पर p और p1 का जो डिस्टेंस है वो r क्यूब ही है, अलबत्ता p2 की जगह पर लिखना चाहिए 27 टाइम्स ऑफ p और r क्यूब दूसरे के लिए है 24 माइनस स्मॉल r का क्यूब। ये p इस p को कैंसिल करेगा, यानी इक्वेशन बची 1/r³ = 27 को लिखा जा सकता है 3³/24 r। अगर हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मिलेंगी 1/r = 3/24 r। यहाँ से पता चला 24 r = 3r, यहाँ से 24 = 4 r, यानी स्मॉल r बराबर 6 cm होना चाहिए। तो स्मॉल r की वैल्यू 6 cm के बराबर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समझा। कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस और मिरर इज कॉल्ड, तो मान लीजिए कि एक लेंस है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से, इनफाइनाइट से इंसिडेंट हो रही है, तो कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी लाइट उसके फोकस पे। जितना फोकल लेंथ ज्यादा होगा उतनी लेंस की एबिलिटी कम है लाइट को कॉन्वर्ज करने की। जैसे ये आगे जाके अगर फोकस हो जाए तो क्या होगा, ये लेंस थोड़ा वीक है, ये ज्यादा कॉन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, उसी तरह ज्यादा डाइवर्ज भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे मानों में अगर हम कॉनकेव लेंस कंसीडर करें तो कही जा सकती है, यानी जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना पावर ज्यादा होगा, कॉन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा, उसे हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, 1/focal length, यही वो चीज है जो डिफाइन करती है लेंस को। कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस और मिरर इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, सो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्विवेलेंट है मालूम करना है। सो यहाँ पर आया ए और यहाँ पर आया बी, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से ए गया और यहाँ से बी आया, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ये और गेट ऊपर वाला, नीचे वाला एंड गेट, तो नीचे हो गया ए डॉट बी, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी बार, यानी ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये मिल गया ए डॉट बी होल बार। अब यहाँ पे कौन सा गेट है, ये दोबारा से एंड गेट है, यानी यहाँ पर आने के बाद कॉम्बिनेशन बनेगा ये दोनों का डॉट, यानी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। ए डॉट ए बार, मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है तो ए बार हो जाएगा 0, और 1.0 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी इक्वेशन बची ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक्स और गेट की इक्वेशन है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, एक्स और गेट, ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट टू एक्स और गेट के होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। रेडिएशन ऑफ टू फोटॉन्स हैविंग एनर्जीज ट्वाइस एंड 5 times द वर्क फंक्शन, तो पहले के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, वर्क फंक्शन का डबल, और दूसरे के पास आने वाली एनर्जी कितनी है, 5 times ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आर इंसिडेंट सक्सेसफुली ऑन द मेटल सर्फेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द टू केसेस, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो मालूम करना है। हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन कहती है E इज इक्वल टू 5 + 1/2 mv². यहाँ से अगर हम पहले के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो E1 इज इक्वल टू, दोनों एक ही मेटल पर इंसिडेंट किए गए, इसी वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा, इक्वेशन बन जाएगी 1/2 mv²
ठीक है, पहले की एनर्जी की वैल्यू उसने दिया है कितनी है, वर्क फंक्शन का डबल, यानी 2 phi इज इक्वल टू 5 + 1/2 इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर। अगर यहाँ 2 phi और 5 को माइनस कर दे तो इक्वेशन बनेगी सिर्फ 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यही कैलकुलेशन हम दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए आने वाली एनर्जी जिसे ई टू लिखेंगे, ई टू बराबर हो जाएगा, ई टू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो पुराने वाला है लेकिन 1/2 m इंटू वी टू स्क्वायर। दूसरे एनर्जेटिक फोटोन की एनर्जी उसने दिया है 5 times ऑफ वर्क फंक्शन, सो 5 phi naught इज इक्वल टू 5 naught प्लस 1/2 m v स्क्वायर वी टू स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लो, 5 phi - 5 ये आ जाएगा 4 5 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी टू स्क्वायर। अब ऐसा कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए क्योंकि हमको उनके मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पता करना है। सो कितना हो जाएगा, सो इक्वेशन बन जाएंगी 5 इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर वी वन स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है, इसको डिवाइड कर लीजिए दूसरी से, 4 5 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी टू स्क्वायर। ये 5 इस 5 को खत्म करेगा, 1/2 m 1/2 m दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचा वो लिख लो, 1/4 इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले ले तो इक्वेशन बनेगी 1/2 इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू, और यही हमारा आंसर होना चाहिए, वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू 1/2, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, समझे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और ऑन अर्थ सरफेस इज कैपिटल टी, अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड की वैल्यू कैपिटल टी है, इट्स टाइम पीरियड बिकम्स एक्स टी व्हेन टेकन टू अ हाइट आर, जब उसको हमने हाइट इक्वल टू आर के लेकर चले गए अबव द अर्थ सरफेस, अच्छी बात है, हाइट ना अर्थ के सरफेस से दी हुई है आर के बराबर, तो उसका टाइम पीरियड एक्स टी हो जाता है, तो हमको इस एक्स की वैल्यू मालूम करना है। चलिए जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2π√L/g, यानी हमको ये पता चला क्योंकि लेंथ 2π ये सब कांस्टेंट है, यानी टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए लिखा जा सकता है बाद वाला टाइम पीरियड डिवाइड बाय पहले वाला टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय बाद वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी टी डैश डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट, जी तो पुराने वाला है कांस्टेंट और ये जी डैश बाद वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हाइट के बराबर है, और हम जी एच का फॉर्मूला जानते हैं, जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा, ये जी इस जी को खत्म करेगा और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को खत्म करेगा, क्या बचा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी 1 upon r upon r plus h, ये r प्लस एच डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये बन जाएगा न्यूमिनेटर में, यानी टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू r प्लस एच अपॉन r, बस जी वैल्यूज लिख लीजिए, r एज इट इज है, h की जगह पर उसने खुद मेंशन करके दिया हाइट रेडियस के बराबर है डिवाइड बाय r, और टी डैश भी उसने दिया है कि बाद वाला टाइम पीरियड कितना हो गया पुराने वाले का x टाइम्स, सो टी डैश की जगह पर एक्स टी और टी की जगह पर टी, ये दोनों हुए खत्म, यानी x बराबर r प्लस r कितना 2r डिवाइड बाय r, सो x बराबर x बराबर 2 के आना चाहिए, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंसीडर अ सोप फिल्म ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ऑफ एरिया, तो इनिशियल एरिया उसका दे दिया है, इनिशियल एरिया है 3 × 3 और साथ में है सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ द सोप फिल्म इज इंक्रीज टू, तो फाइनल एरिया कितना हुआ, फाइनल एरिया बराबर है 5 × 5 और ये डेटा अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 3 ये हो जाएगा 9 और यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, उसी तरीके से नीचे 5 × 5 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 × 10⁻⁴ और आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये इनिशियल और फाइनल एरिया है। द वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया यानी फाइनल एरिया माइनस सरफेस टेंशन इंटू इनिशियल एरिया, क्योंकि सरफेस टेंशन तो नहीं बदला, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ उसने फिल्म कहा है, जैसे ही फिल्म कहा सरफेस टेंशन डबल आ जाएगा, 2 times ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ से 2t कॉमन निकाल दीजिए, इक्वेशन में बचा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, डेटा लिख लीजिए 2 एज इट इज, सरफेस टेंशन की वैल्यू उसने दिया है कितनी है 2.5 × 10⁻², और फाइनल एरिया कितना है 25 × 10⁻⁴,
माइनस इनिशियल एरिया कितना है 9 × 10⁻⁴, ठीक है, माइनस कर लेंगे 2.5 × 2 ये हो जाएगा 5 × 10⁻², 25 − 9 ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁴, 16 × 5 = 80 × 10⁻⁶, ये हमारा आंसर होना चाहिए 80 × 10⁻⁶ जूल, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा 80 × 10⁻⁶, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन लाइमन सीरीज सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ इज लैम्बडा 1। देखो जी सीरीज लिमिट की बात चल रही है लाइमन सीरीज की, कितनी है लैम्बडा 1। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट 1/nf² − 1/ni² और सीरीज लिमिट यानी क्या, आखिरी ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में, क्योंकि लाइमन सीरीज है इसलिए फाइनल ऑर्बिट कौन सा होने वाला है, फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट होने वाला है और सीरीज लिमिट है मतलब इनिशियल ऑर्बिट इनफाइनाइट होने वाला है, इनके स्क्वायर में वही वैल्यू इनफाइनाइट ही होंगी, 1/(1/0) यानी 1/λ1 कैन बी रिटन एज आर, यानी लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1/r भी लिखा जा सकता है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1/r, ये एक ही बात है। आगे बढ़िए, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्बडा 2। चलो जी फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की क्या हो जाएंगी, 1/λ2 इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट, लाइमन सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट कितना होता है 1 − 1/ फर्स्ट लाइन है मतलब सेकेंड ऑर्बिट से आ रहा होगा, यानी लिखा जा सकता है 1/λ2 इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 − 1/4, 1 − 1/4 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगी 3/4, यानी वैल्यू मिली 3r/4, यहाँ से पता चला लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4/3r, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगली चीज उसने क्या कहा, एंड द सीरीज लिमिट ऑफ, अगर बामर सीरीज की बात करें, एंड इन बामर सीरीज द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 3, बामर सीरीज के लिए सीरीज लिमिट लैम्बडा 3 है इसलिए 1/λ3 इज इक्वल टू आर, अगर बामर सीरीज की बात किया जाए तो फाइनल ऑर्बिट होगा 2² और इनिशियल सीरीज लिमिट है इसलिए आ जाएगा इनफाइनाइट स्क्वायर, 1/(∞₀) यानी लिखा जा सकता है 1/λ3 इज इक्वल टू आर, 2² हो गया 4। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इसको ज्यादा सहूलत से लिखे तो हम 1/r के बजाय सिर्फ r के ही फॉर्म में बात करेंगे, सो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को ऐड किया तो क्या होगा, r/4 में 3r/4 ऐड होगा, r/4 + 3r/4, इन दोनों को ऐड कर लीजिए इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 में क्या है 1/λ2 और 1/λ3, यानी 1/λ3 + 1/λ2 इज इक्वल टू r/4 + 3r/4, ये कितना हो जाएगा 4r/4, यानी ये r के बराबर हो जाएगा और हम जानते हैं कि r किसके बराबर है, r बराबर है 1/λ1 के, यानी 1/λ3 + 1/λ2 इज इक्वल टू r, जिसे लिखा जा सकता है 1/λ3 + 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ1। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 1/λ1 को एज इट इज रखेंगे, 1/λ1 यहाँ एज इट इज, 1/λ2 को माइनस करके इधर बुला लो, −1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ3, यहाँ ये टर्म बच जाएगा, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। सो चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, समझा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट हमको पता करना है। हम जानते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NI × A, यानी मैग्नेटिक मोमेंट N पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन A, N पर भी करता है और करंट पर भी करता है। एरिया को लिख लेंगे हम NI × एरिया को लिख लेंगे πr², लेकिन ये ओनली ने गड़बड़ कर दिया, सिर्फ N पर डिपेंड नहीं होता, वो I पर और R पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ओनली नहीं होता तो सही होता, एन आई और आर तीनों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई और मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो तीनों के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट्स इनटू 1000 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, तो मान लीजिए कि एक बड़ा लिक्विड का ड्रॉप है, इसका रेडियस है कैपिटल R और ये टुकड़े हो जाता है और छोटे 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 ड्रॉप्स फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे कितने ड्रॉप फॉर्म हुए,
1000 ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं, मान लीजिए हर एक का रेडियस स्मॉल r है, ये 1000 हर एक का रेडियस स्मॉल r, इफ इवन इज द एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप, ओरिजिनल ड्रॉप की एनर्जी, एनर्जी क्या होंगी, सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एरिया, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr² यानी 4πR², एंड ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप, एंड E2 इज द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉपलेट्स। तो बाद में जो आने वाली सरफेस एनर्जी हो जाएंगी E2, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो हर एक का सरफेस टेंशन T और हर एक का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², और ऐसे कितने हैं, ऐसे 1000 हैं, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। उसने कहा इन दोनों एनर्जीज का रेशो E1/E2 इज इक्वल टू x/10 है, इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर सरफेस टेंशन दोनों जगह से कैंसिल, 4π दोनों जगह से कैंसिल, तो पता चला E1/E2 इज इक्वल टू कितना, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमको यहाँ E1/E2 का रिलेशन तो दिया है, कितना है x/10, लेकिन हमको ये नहीं पता कि आर स्क्वायर का स्मॉल आर के साथ रिलेशन क्या है। सो लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। अब जब ये बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ होगा तो कन्वर्जन इस तरह होगा कि उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम 4/3πr³ शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हर एक का कितना है 4/3πr³, और ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं 1000, 4/3π 4/3π दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। सो आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब टाइम्स ऑफ 1000 को लिख लेंगे 10^3, यानी लिखा जा सकता है कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर टाइम्स ऑफ 10, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर इंटू 10। अब ये डेटा यहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर की जगह पर आ जाएगा आर इंटू 10 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड में 1000 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज है। आर स्क्वायर खत्म, 2020 खत्म, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है x/10 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर के अंदर 10 बचा है, ये 10 20 को कैंसिल कर देगा, मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। सो चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव इज गिवन बाय, तो पहले का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया, लिख लेते हैं y1 इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ कितना है 20x - 30t। सिमिलरली दूसरे का डिस्प्लेसमेंट दिया y2 इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ कितना है 25x - 40t, ठीक है। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, तो आपको मालूम करना है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड एंड x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो t और x की वैल्यू दिया हुआ है, आपको इनके फेज डिफरेंस के बारे में पता करना है। तो पहले का जो फेज होगा वो कुछ ऐसा होगा 20x - 30t, और दूसरे का फेज क्या होगा बताइए, फाइव टू विल बी इक्वल टू 25x - 40t। आपको निकालना है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, तो मालूम कर लेते हैं डेल्टा फाइव यानी फेज डिफरेंस बराबर फाइव टू माइनस फाइव वन, ठीक है, फाइव टू माइनस फाइव वन। फाइव टू की वैल्यू कितनी है, फाइव टू है 25x - 40t, फॉर्मूले वाला माइनस, और दूसरे टर्म को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कितना है वो 20x - 30t, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कितना होगा 25x - 40t एज इट इज, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस वाले टर्म माइनस हो जाएंगे, यानी -20x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +30t। अब माइनस कीजिए 25x - 20x, ये बचेगा 5x, 40t माइनस +30t ये हो जाएगा -10t। आगे बढ़ते रहिए, 5 एज इट इज, x की जगह पर x की वैल्यू लिख लेंगे, x कितना कहा उसने 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10^-2, -10 एज इट इज, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स, यानी 10 × 2, 5 × 5 = 25 × 10^-2 −10 × 2 = 20, तो आंसर आना चाहिए 5 रेडियन, आंसर आना चाहिए 5 रेडियन के बराबर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव्स इज गिवन बाय y1 इक्वल टू 8 साइन ऑफ 20x - 30t, ये पहले का डिस्प्लेसमेंट दिया, y1 इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ 20x - 30t, और दूसरी का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया y2 इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ 25x - 40t। आपको मालूम क्या करना है,
देन द फेज डिफरेंस, आपको इनके फेज डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बिटवीन द वेव आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम जानते हैं कि अगर हम साइनोसॉइडल वेव में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखें तो इक्वेशन लिखी जा सकती है वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। यहाँ पर ये जो ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव है इसे हम उसका फेज कहते हैं, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ये बन जाएगा इसका फेज। अगर हम ये इक्वेशन को कंपेयर करें तो कह सकते हैं पहली इक्वेशन में आने वाला फेज एंगल कितना होगा 20x माइनस 30t। सिमिलरली दूसरी में आने वाला फेज एंगल जिसे हम फाई टू कहते हैं इस इक्वेशन में कंपेयर करो तो ये जो 25x माइनस 40 है ये हमारा फेज एंगल बनेगा। तो फेज बन गया 25x माइनस 40 इंटू टी। अब हमको मालूम क्या करना है, वी नीड टू फाइंड फेज डिफरेंस, हमको फेज डिफरेंस पता करना है। फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई कह लेते हैं और डेल्टा फाई हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। डेटा लिख लीजिए, फाई टू कितना है जी 25x माइनस 40t और फॉर्मूले वाला माइनस फाई वन कितना है, फाई वन है 20x माइनस 30t। माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए कितना बनेगा 25x माइनस 40t, फॉर्मूले वाला माइनस 30x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो गया 30t बराबर 25x माइनस 30x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 40t प्लस 30t ये हो जाएगा माइनस 10t बराबर। मैं माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन थोड़े से गलत हुए, ये माइनस 30 नहीं है ये है माइनस 20, इसकी वजह से माइनस 5 नहीं आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये है माइनस 20x, देखो ऊपर 20 है, 25 माइनस 20 ये हो जाएगा 5x माइनस 10, यानी लिखा जा सकता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 5x माइनस 10t। वैल्यूज पुट कर लीजिए 5 जैसा का वैसा, x की वैल्यू कितनी है, x दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 के बराबर माइनस 10 और टाइम की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर, 5 5 25 और 10 2 20, आंसर आना चाहिए 5 रेडियन। ये फेज डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा फाइ इज इक्वल टू 5 रेडियन। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए 5 रेडियन, समझो। I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, देखिए जी बात डिस्क की चल रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन हम सबको याद है कितना होता है mr² / 2, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बनती है। I2 इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB, तो देखो ये A और ये पॉइंट B दिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 के बराबर है और एक्सिस AB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके AB वाला एक्सिस पैरेलल है, यानी सिंपली हमको समझ आ रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहिए। क्या कहता है वो, I0 इज इक्वल टू IC प्लस m × h². ये I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस जो AB है जिसे हम लिख रहे हैं I2 और सेंट्रल एक्सिस वहां से आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मास एज इट इज, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2r/3 और डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। I2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, I1 की वैल्यू कितनी है ऊपर लिखा हुआ है कितना है mr² / 2 प्लस मास एज इट इज 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r² / 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहां से कुछ कॉमन निकलेगा, mr² की वैल्यू कॉमन निकल गई, इक्वेशन में बचा 1/2 प्लस 4/9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया I2 इज इक्वल टू m² एज इट इज 9 1 9 4 2 8, मतलब ये हो जाएगा 17/9 2 18 17/18, ये आया I2 की वैल्यू। आगे पढ़िए, द रेशो ऑफ I2 एंड I1 इज x/9, तो उसने रेशो बना के दिया कि I2 / I1 अगर हम कर लेंगे तो ये रेशो की वैल्यू x/9 आने वाली है। आपको मालूम करना है द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी होगी। I2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है mr² × 17/18 / I1 की वैल्यू कितनी है mr² शुड बी इक्वल टू x/9, सॉरी I1 की वैल्यू है mr² / 2, mr² कैंसिल 2 1 2 9 18, इक्वेशन में बचा है 17/9 इज इक्वल टू x/9, ये 9 इस 9 को कैंसिल करेगा मतलब x की वैल्यू 17 के बराबर आना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 17, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको मालूम करना है। देखिए ए से चार्ज इंटर करेगा और वो पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट बी तक जाने की कोशिश करेगा, तो उसको जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये बिल्कुल सीधा
यहाँ से वो चलते हुए एंड तक आएगा और उसके बाद नीचे चला जाएगा, ये पहला रास्ता है। और दूसरा रास्ता ऊपर से है, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तीनों कैपेसिटर्स में से इक्वल चार्ज फ्लो करने वाला है, तो ये तीनों कैसे में आ जाएंगे, सीरीज में। यानी हम सबसे पहले C इक्विवेलेंट मालूम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो यहाँ के केस में 1/C, क्योंकि सभी का कैपेसिटेंस C के बराबर है, इसलिए 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C आ जाएगा, यानी कितना, यानी 3/C, ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट, यानी C इक्विवेलेंट बन चुका है C/3, ठीक है। सर्किट एक और बार ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट A, यहाँ से ये तीनों कैपेसिटर्स निकाल कर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर यहाँ लिख लेता हूँ, वो है C/3 के बराबर, और हम चले गए पॉइंट P तक। उसी तरह पॉइंट P पर आने के लिए A से ही दूसरा रास्ता है, जहाँ पे कितना कैपेसिटर है, जहाँ पे कैपेसिटर C कनेक्ट है, और ये पॉइंट B सीधा कनेक्ट है पॉइंट B को, इसलिए मैं पॉइंट B को आगे बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A, और ऊपर की तरफ कैपेसिटर आ गया C। बिल्कुल सिंपली हमको समझ आ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, यानी उनका सी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में कितना होता है, C1 + C2, यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C + C/3 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3C + C/3, आंसर आना चाहिए 4C/3, इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। Two similar coils, each of radius r, are lying concentrically with their planes at right angle to each other. देखो जी, दो coils हैं, जैसे इस डायग्राम में बताया गया। पहली coil horizontal plane में रखी है, कुछ ऐसे। उसको समझाने के लिए, ये plane से बाहर आती हुई है, horizontal plane के अंदर रखी गई है। ये यहाँ बताया है कि पहली coil कुछ ऐसी रखी गई है horizontal plane में, और दूसरी coil, उसका भी radius कितना है, उसका भी radius r है, और वो रखी गई है vertical plane में। वो बिल्कुल सीधी रखी गई है, तो अगर आप उसको सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो रिंग होंगी, ऐसी सीधी लाइन आपको दिखेंगी वर्टिकल प्लेन में, है ना। और ये जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखेंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसी है ना वो, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो सिर्फ आपको एक लाइन दिखने वाली है। खैर, आप ये समझ गए होंगे कि हमने दोनों कॉइल्स को कैसे अरेंज किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द करंट फ्लोइंग इन देम आर I and 2I, तो पहले में I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में 2I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों में फ्लो करने वाले करंट है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना होगा वो हमको मालूम करना है। देखिए, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। अगर हम ये फर्स्ट कॉइल की बात करें जो हॉरिजॉन्टल है, उस पे सेंटर की तरफ बनने वाली फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर हम करंट के डायरेक्शन में हमारी उंगलियों को कर्ल करें तो थंब देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम कह लेंगे कि पहले की तरफ से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और दूसरा वर्टिकल प्लेन में है, और उसमें करंट का डायरेक्शन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपका थंब किस तरफ आएगा, आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। इसका मतलब दूसरे की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगी। इतनी बात तो कंफर्म है कि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 है। और हम जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0I/2R, इसलिए अगर हम कॉइल नंबर 1 की बात करें तो कॉइल नंबर 1 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम B1 कहेंगे, तो B1 कितना होगा, ये B1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट 2I फ्लो कर रहा है, इसलिए करंट की जगह पर 2I लिख लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा μ0 × 2I/2R, ठीक है। उसी तरीके से, लेकिन डायरेक्शन देखिए, B1 का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पर J कैप लिखा जाएगा। दूसरा B2 के बारे में बताइए, B2 क्या है, B2 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन I कैप है, माइनस I कैप लिखना जरूरी है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा μ0 × I, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट तो I अमाउंट का फ्लो कर रहा है, इसलिए μ0 I/2R, ये हो जाएगा। और साथ में आएगा माइनस I कैप, ये माइनस I कैप डायरेक्शन के लिए है, हमको मालूम करना है उनकी वजह से बनने वाली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं B1 J कैप - B2 I कैप, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है ना, इसलिए वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम √B1² + B2² हमको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो जी, स्क्वायर कर लो दोनों का। सो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है μ0 × 2I/2R, इसका मतलब ये हो जाएगा μ0² × 2I का स्क्वायर कितना, 4 × I² / 2R का स्क्वायर, जो हो जाएगा 4R स्क्वायर,
प्लस बी टू की वैल्यू कितनी है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस हो या प्लस हो। म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकलता है, दोनों जगह से हम म्यू नॉट स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए पहली जगह पर बच जाएगा 4 और दूसरी इक्वेशन की जगह पर बच जाएगा 1। ठीक है, म्यू नॉट स्क्वायर का म्यू नॉट कॉमन निकाल दो, आई स्क्वायर का आई कॉमन निकाल दो, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और कैपिटल R बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 कितना होता है 4 प्लस 1 5, यानी अंडर रूट 5 म्यू नॉट आई बाई 2R, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होना चाहिए। सो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट 5 म्यू नॉट आई बाई 2R होना चाहिए। द लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन सर्किट शोन इन द फिगर परफॉर्म्स द लॉजिकल फंक्शन ऑफ, तो नीचे जो डायग्राम दी हुई है उसका लॉजिकल फंक्शन क्या होगा, ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है जिसमें हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसके माने नॉट के हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, ए डॉट बी बार ये कौन सा है, ये अगेन एक एंड गेट है, यानी यहाँ पे हम नॉट के बाद एक एंड लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आने वाला इनपुट देखो जी ए डॉट बी का बार ये जो भी होगा, मान लो अगर ये वन होता, मैं इसको समझाता हूँ, मान लीजिए कि एंड गेट है, आपने इसको एक ही इनपुट दिया है, मतलब दोनों भी इनपुट एक को ही दिए हैं, यानी अगर यहाँ 1 दिया जाता तो ये भी 1 ये भी 1, यानी 1.1 कितना आता 1 के बराबर, और अगर ये 0 होता, अगर ये 0 होता तो दोनों इनपुट 0 के हो जाते, यानी 0.0 वो कितना हो जाता, वो 0 के बराबर हो जाता। यानी अगर हम जो इनपुट दे रहे हैं अगर ये एंड गेट को दिया जाए तो 1 होगा तो 1 आउटपुट आएगा, 0 होगा तो 0 आउटपुट आएगा, यानी अगर ए इनपुट दिया जाए तो ए ही आउटपुट आता है, तो आउटपुट के अंदर ए ही मिलेगा, यानी ए डॉट बी का बार यहाँ जाने के बाद ए डॉट बी बार ही रहेगा। ए डॉट बी बार मतलब क्या, ए डॉट बी यानी ए डॉट बी यानी ए डॉट बी के माने होते हैं एंड गेट, बराबर, और यहाँ नॉट है इसका मतलब ये नैंड गेट की एग्जांपल होंगी। सो चेक कीजिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ये नैंड गेट है, आया समझ में। टू साउंडिंग सोर्सेस सेंड वेव्स एट सर्टेन टेम्परेचर इन एयर ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, पहले की वेवलेंथ है 50 सेंटीमीटर के बराबर और दूसरे की वेवलेंथ है लैम्बडा 2 बराबर 50.5 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और नीचे वाला हो जाएगा 50.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अगली चीज उसने दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिफर बाय, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, अभी हमको मालूम नहीं है कि ये n1 माइनस n2 है या n2 माइनस n1 है, लेकिन उसने दिया है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 हर्ट्ज के बराबर है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, हम जानते हैं साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के ताल्लुक से सोचे तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ इक्वेशन में देखने पर पता चला कि लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए लिख सकते हैं हम n2 शुड बी लेस देन n1, यानी n1 की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये इक्वेशन बराबर है। इक्वेशन में और एक बार लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या कह रही है, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6। अब जरा फॉर्मूले के ऊपर आइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, यहां से पता चलेगा n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, यानी n1 को लिखा जा सकता है v बाय लैम्बडा 1, उसी तरीके से n2 को लिखा जा सकता है v बाय लैम्बडा 2। ये डेटा यहां रख लेंगे, n1 की जगह पर v बाय लैम्बडा 1 माइनस n2 की जगह पर v बाय लैम्बडा 2 शुड बी इक्वल टू 6। कुछ कॉमन निकलेगा, यहां से वेलोसिटी कॉमन निकल गई, क्या बचा 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ते रहिए, ये वेलोसिटी एज इट इज 1 अपॉन लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी, अभी हमने कैलकुलेट किया था कितनी थी 50.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ के 10 पर माइनस 2 को ऊपर बुला लो, या ऐसा कर लो कॉमन निकाल लेते हैं इसको, तो 10 पर माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 अपॉन 50.5 माइनस 1 अपॉन 50,
इज इक्वल टू 6। ये 10 पर माइनस 2 को यहां भेज देंगे तो 10 पर माइनस 2 एज इट इज उस तरफ चला जाएगा। तो v शुड बी इक्वल टू, सॉरी v के साथ ब्रैकेट में टर्म भी है, इसलिए v इंटू ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ब्रैकेट वाला टर्म, यानी v इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा 50 माइनस 50.5 क्या हुआ? हम बोले थे इनसे कभी निकालो, अब ऊपर का पेन गिर गया। Two sounding sources send waves at certain temperature in air of wavelength 50 cm and 50.5 cm. लिख लेते हैं, पहले सोर्स की वेवलेंथ दिया 50 cm, कन्वर्ट कर लीजिए, सो ये 50 और सेंटीमीटर का आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सिमिलरली दूसरे सोर्स की वेवलेंथ उसने दिया कितनी है, 50.5 सेंटीमीटर, जिसे लिखा जा सकता है 50.5 इंटू टू द पावर माइनस 2 मीटर। The frequency of the source differ by 6 hertz. मतलब source की frequency का difference जो है वो 6 hertz के बराबर है, जिसे लिखा जा सकता है n1 minus n2 is equal to 6, या तो n2 minus n1 is equal to 6। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सी equation सही है। अब हम sound की velocity के formula के तरफ आते हैं, v is equal to n lambda। देखो जी, अलग अलग sound की velocity अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली हो सकती है, अलग अलग साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ वाला हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और उसने कहा है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसी टेम्परेचर के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, यानी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, यानी जहाँ वेवलेंथ ज्यादा होंगी वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होंगी, और जहाँ वेवलेंथ कम होंगी वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी। अगर हम लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 को कंपेयर करें तो समझ आ रहा है कि लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, जहां की वेवलेंथ ज्यादा वहां की फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब n2 शुड बी लेस देन n1, इसका मतलब n1 बड़ा है, तो इक्वेशन बराबर हो जाएंगी n1 माइनस n2 और ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं वही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दी हुई है। अब हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, जो पहले के लिए काम में आएगा n1 इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा 1। उसी तरीके से दूसरे के लिए लिखा जा सकता है n2 इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो उसके लिए भी वही होंगी, अलबत्त वेवलेंथ बदल जाएंगी जो हो जाएगी लैम्बडा 2, n1 की जगह पर आ जाएगा v बाय लैम्बडा 1 माइनस n2 की जगह v बाय लैम्बडा 2 शुड बी इज इक्वल टू 6। यहां से वेलोसिटी कॉमन निकाल दीजिए, वेलोसिटी कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 6। कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते रहिए, वेलोसिटी एज इट इज, लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा 1 की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, फॉर्मूले वाला माइनस 1 अपॉन 50.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6। यहां से हम 10 पर माइनस 2 भी कॉमन निकाल देंगे, यानी v अपॉन 10 पर माइनस 2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 50.5, ठीक है, इज इक्वल टू 6। आगे बढ़िए, यहां का वेलोसिटी
और 10^-2, ये 10^-2 को यहाँ भेज देते हैं, मतलब यहाँ v इज इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा 50.5 - 50 upon 50 × 50.5 इज इक्वल टू 6 × 10^-2, बराबर। ये माइनस टू यहाँ था v के डिवाइड में, ये यहाँ चला गया, यानी वेलोसिटी इंटू 50.5 - 50, यहाँ न्यूमरेटर में कितना बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 0.5, और अपॉन में है 50 × 50.5 शुड बी इक्वल टू 6 × 10^-2, यानी v इंटू इसे लिखा जा सकता है 5 × 10^-1 अपॉन 50 × 505 × 10^-1 इज इक्वल टू 6 × 10^-2। चलो कुछ कैंसिल होगा, 10^-1 - 1 को कैंसिल कर लेगा, यानी वेलोसिटी बन गई 6 × 10^-2 एज इट इज और 50 एज इट इज, और ये 505 को अगर हम 5 से कैंसिल कर ले तो ये बन जाएगा 101, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अगर हम 50 और 101 को मल्टीप्लाई कर लें सो 6 × हम अगर मोटे मोटे कैलकुलेशन करें, नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आंसर्स बहुत ज़्यादा करीब करीब है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इंटू 10^-2 एज इट इज, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 500, 5 × 5 = 5, और यहाँ एक जीरो 50 वाला है, ये जीरो यहाँ एज इट इज लिखा जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600, 6 × 5 = 30, 30 का 0 और 3, 600 और यहाँ आ जाएगा 3, 6 × 5 = 30, आंसर आ जाएगा 303 × 10^-2, ये माइनस टू ये दो जीरो को कैंसिल कर लेगा, मतलब वेलोसिटी का आंसर आया 303, वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 303, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन द गिवन सर्किट आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर आर, तो इस रेजिस्टर से बहने वाला आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, ओहम्स लॉ के थ्रू हम जानते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, जो यहाँ के सर्किट में आई आर एम एस बराबर होगा वी की जगह पर वी आर एम एस, और क्योंकि ये एसी सर्किट है इस वजह से रेजिस्टेंस सर्किट का बन जाएगा इम्पीडेंस, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करते हैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू है 200 और एक्ससी की वैल्यू है 100 स्क्वायर, यानी इक्वेशन बन गई अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 200 माइनस 100, ये भी हो गया 100 स्क्वायर, यानी अगर हम 100 स्क्वायर को कॉमन निकाल दे तो बन जाएगा 2 और वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर बन जाएगा 100√2, ये सर्किट का रेजिस्टेंस बन गया, ये काम की चीजें उठा कर रखिए। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि उसने वी आर एम एस की वैल्यू भी हमको दे दिया, हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना वी आर एम एस है 200√2 और Z की वैल्यू है 100√2, ये रूट टू इस रूट टू को खत्म करेगा, इक्वेशन में बचेगा सिर्फ 200/100, तो आई आर एम एस की वैल्यू आना चाहिए कितनी 2 एम्पियर, इतना ही करंट रेजिस्टर्स में से फ्लो करेगा 2 एम्पियर के बराबर, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड, पहला पार्टिकल ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ स्पीड v, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास, वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है जिसका मास पहले जितना ही है, लेकिन मूव कर रहा है दूसरा पार्टिकल नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड v, द रेशियो द टू पार्टिकल्स कोलिज आफ्टर कोलिजन, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद मिल जाते हैं, द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m, तो जो नया पार्टिकल बना जिसका मास 2m है विल मूव इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, तो वो कितनी स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले हम डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो ऊपर की तरफ आ गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दिस वन इज ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, कुछ ऐसे डायरेक्शन होंगे। अब पहला पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड लिख लो v1, लेकिन हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो v1 बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v और डायरेक्शन ईस्टवर्ड, इसलिए आई कैप आना चाहिए। उसी तरह दूसरे की वेलोसिटी को लिख लो, उसका भी मैग्नीट्यूड v ही है, उसने कहा है देखो v वेलोसिटी के साथ, लेकिन किस तरफ मूव कर रहा, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आना चाहिए vj कैप, ये दोनों की वेलोसिटी होगी। अब जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो नया पार्टिकल बन गया जिसका मास 2m है, इसलिए हम ऐसा करते हैं साथ साथ इनके मोमेंटम की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, पहले का लीनियर मोमेंटम यानी p1 बराबर हो जाएगा पहले का मास और उसकी वेलोसिटी यानी vi कैप, उसी तरीके से दूसरे का मोमेंटम यानी p2 ये बन जाएगा उसका मास इंटू दूसरे की वेलोसिटी जो है vj कैप,
जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया मोमेंटम बनेगा जिसको हम फाइनल मोमेंटम कहते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? फाइनल मास। फाइनल मास दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो है 2m के बराबर। और यहाँ आएंगी वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं, इसको मैं vf का नाम दे देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी बार। लेकिन डायरेक्शन उसने दिया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो लिखा जा सकता है जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियल में दोनों का मोमेंटम आएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल इनिशियली थे। इसलिए मैं लिख लेता हूँ पी वन बार प्लस पी टू बार, और फाइनल में सिर्फ एक ही है इसलिए पी फाइनल बार, ठीक है। अब पी वन बार का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, पहले का मैग्नीट्यूड कितना है? पहले का मैग्नीट्यूड उसने अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, पहला मोमेंटम है एम वी आई कैप, ठीक है। और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है? एम वी जे कैप। और फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना? पहले तो वेक्टर इक्वेशन लिख लो, जो है 2m और फाइनल वेलोसिटी बार। लेकिन हमको सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चाहिए, इसलिए हम यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसे लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। और 2m फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2m इंटू वी फाइनल। अब यहाँ डायरेक्शन से हम लोगों को आज़ादी मिल गई। अब आगे बढ़िए, यहाँ फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर और आई कैप और जे कैप के बीच में बनने वाला एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? इनके रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि अंडर रूट ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर यानी अगेन एम स्क्वायर वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2m इनटू फाइनल स्पीड, ठीक है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, यानी ये हो गया mv और 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बच गया अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। यहाँ का मास ये मास को कैंसिल करेगा, यानी हमको पता चला फाइनल स्पीड बराबर है यहाँ का v रूट 2 एज इट इज है और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v बाय रूट 2, फाइनल स्पीड शुड बी इक्वल टू v बाय रूट 2। सो चेक कीजिए ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, समझो। द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको वो हाइट की वैल्यू मालूम करना है जहां ऑब्जेक्ट का वेट w डैश बराबर हो जाए 1/9 टाइम्स ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एम जी डैश बराबर हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी कहाँ की? अर्थ के सरफेस की। मास इस मास को कैंसिल कर लेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हाइट शुड बी इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के हिसाब से बदलती है, और हाइट पे आने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जी डैश का इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो एक बात नोट करना, यहाँ ये जो एच आता है, दिस एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको कहाँ से हाइट निकालना है? हाइट आपको निकालना है सरफेस ऑफ अर्थ से। अगर सेंटर से निकालना होता तो आर प्लस एच की वैल्यू निकालना होता, जिसमें हम इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं। खैर यहाँ पे सरफेस से निकालना है, इसलिए एच की वैल्यू ही हमको कैलकुलेट करना है। जी इस जी को कैंसिल करेगा, जो बचा वो लिख लो, क्या बचा है? आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 1/9। अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो हमको मिलेगा आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/3, 9 का स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिला? 3r इज इक्वल टू आर प्लस एच। यहाँ से पता चला 2r इज इक्वल टू एच, यानी एच बराबर 2r, तो हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से 2r के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए सिंगल टर्न करंट लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मान लेते हैं कि ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है राइट एंगल ट्रायंगल के शेप पे, ये उसका जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, ये साइड उसका 12 सेंटीमीटर है, और उसका हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें 2 एम्पियर का करंट है।
The loop is in a uniform magnetic field of magnitude 0.75 Tesla, whose direction is parallel to the direction of current in the 13 cm side of the loop. मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर की जो साइड है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, ये 2 एम्पियर का करंट बह रहा है. उसने कहा है कि 13 सेंटीमीटर के साइड में जो करंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है. मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी कहते हैं. ठीक है, और बी का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 0.75 टेस्ला. अगर यहाँ 13 सेंटीमीटर में 2 एम्पियर का करंट कुछ ऐसे बह रहा है तो 5 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और 12 में इस तरफ होगा और इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो करने वाला है. मान लीजिए कि ये एंगल है जो 5 सेंटीमीटर की साइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है, दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा. ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 5 सेंटीमीटर साइड विल बी x by 130 न्यूटन. तो हमको x की वैल्यू मालूम करना है. इन शॉर्ट हमको मालूम करना है कि 5 सेंटीमीटर साइड पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगती है. उस फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी आई एल साइन थीटा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दिया हुआ है 0.75. करंट कितना बह रहा है वहां से, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर. लेंथ की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻²⁻ sin θ एज इट इज. ओके, चलिए 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और यहाँ का 10⁻¹ कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन में बचा 0.75 × 10⁻², से सिर्फ 10⁻¹ बचा. और साइन थीटा को यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट है 12, इसलिए 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर लिखेंगे. लेकिन सेंटीमीटर दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन में बचा 0.75 और 10⁻¹ को नीचे बुला लीजिए, ये हो गया 10 × 12 / 13. ओके, सॉल्व करने पर पता चला 12 × 0.75 को लिखा जा सकता है 3/4 होल डिवाइड बाय 13 × 10, ये हो गया 130. 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और 3 × 3 = कितना हो गया, 3 × 3 = 9/130 न्यूटन. ये वैल्यू फोर्स की आ चुकी है. उसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, x बाय 130. अगर हम इसको कंपेयर करें, फोर्स की वैल्यू x बाय 130 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 9 के बराबर होना चाहिए. चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 के बराबर होगी. ठीक है, 41 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देखो, नोट करके रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने 41 ट्यूनिंग फोर्क्स को अरेंज करे. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा. इसका मतलब पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगी और 41 की सबसे ज्यादा होंगी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सच दैट ईच प्रोड्यूस 5 beats per second. हर एक अपने अगले वाले के साथ विथ नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क 5 beat प्रोड्यूस करके दे रहा है. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, यानी 41 ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डबल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क नंबर 1, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज. ये बिल्कुल टेम्पलेट वाला क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा जा चुका. पहले मैं जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ. उसने कहा है कि 41 ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले की कितनी है, डबल है पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का. उसी के साथ उसने स्टेटमेंट में दिया 41 ट्यूनिंग फोर्क आपने अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अब देखो 5 beat वहां आ रहे हैं, तो बीट का फॉर्मूला या तो n1 - n2 होगा या तो n2 - n1 होगा. अब सवाल यह है इन दोनों में से कौन सा यूज करना. तो अगर n1 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर n2 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. आप बताइए कि अगर हमने 41 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो बड़ा कौन होगा, फर्स्ट वाला सबसे छोटा, सेकंड वाला उससे बड़ा, फिर थर्ड वाला और बड़ा, यानी n2 - n1 ये हमारा करेक्ट इक्वेशन बनेगा क्योंकि n2 की वैल्यू ज्यादा है. कितने बीट्स आए, नंबर ऑफ बीट्स आए 5. ठीक है, ये इक्वेशन बनाइए. यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेंगी, n2 is equal to, ये माइनस वाला n1 उस तरफ चला गया, तो इक्वेशन बनी n1 + 5. समझे इतना, अब आगे आइए. उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, उसने कहा है कि हर एक ट्यूनिंग फोर्क ईच प्रोड्यूसेस 5 beats, यानी थर्ड वाली भी सेकंड वाली के साथ 5 beat दे रही होंगी. इसलिए लिखा जा सकता है n3 - n2 is also equal to 5. इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा n3 is equal to, माइनस वाला n2 इधर आ जाएगा, यानी n2 + 5. लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि n2 को लिखा जा सकता है n2 is equal to n1 + 5. बराबर, n2 की जगह पर n1 + 5 आ गया, ये n2 की वैल्यू है और यहाँ पहले से ही 5 मौजूद है, यानी n3 becomes n1 + 2 × 5. ये नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से अगला ट्यूनिंग फोर्क, यानी जिसे हम फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क का नाम देंगे, तो फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क यानी n4
n4 माइनस n3 विल ऑल्सो गिव 5 बीट्स, यानी वी कैन राइट n4 इज इक्वल टू 5 प्लस n3। और अभी हमने n3 का वैल्यू देखा है, n3 कितना है, पहले मैं n3 की वैल्यू लिख लेता हूँ, कितना है n1 प्लस 2 इंटू 5, और यहाँ एडिशन में एक 5 बचा है, यहाँ से पता चला n4 इज इक्वल टू n1 प्लस 3 इंटू 5। यहाँ तक समझे? अब ध्यान दीजिए, जब मैं n2 का फॉर्मूला निकाल रहा था तो फॉर्मूला बना था n1 प्लस 1 इंटू 5, जब मैं n2 की वैल्यू निकाल रहा था तो फॉर्मूला बना था n1 प्लस 1 इंटू 5, n3 का फॉर्मूला बना रहा था तो फॉर्मूला बना n1 प्लस 2 इंटू 5, n4 का फॉर्मूला बना रहा था तो फॉर्मूला बना n1 प्लस 3 इंटू 5। यानी ये तो एक टेम्पलेट फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तो सही कि pth ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे n1 यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, मतलब नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ मुझे कहेंगे p-1 टाइम्स ऑफ 5 कर लीजिए। समझाइए, देखो जैसे हम 2 की निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, हम 3 की निकाल रहे थे यहाँ पे हमने 2 लिखा, 4 की निकाल रहे थे तो हमने 3 लिखा, उसी तरह pth की निकालना है तो p-1 करना पड़ेगा। अब मुझे जरा सोच कर बताइए कि 41th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n1 प्लस 41 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 5। और उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि n41 कितना है, n41 is 2 times of n1 is equal to n1 plus 45 za 5 4 za 20, ये हो जाएगा 200, बराबर n2n1 minus n1 ये बचेगा, n1 is equal to 200। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया कि पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज होनी चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए, एक ही जगह पे 200 हर्ट्ज का आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, हमको बाकी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। फिर भी हम सहूलत के खातिर N41 भी निकाल लेते हैं, लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है N1 की वैल्यू 200 और 45 जा अगेन 200, सो 200 प्लस 200 दैट विल बिकम 400, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। तो N41 आना चाहिए 200 और 400, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझे, सिंपल क्वेश्चन था। इनटू सेपरेट सेटअप फॉर बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम वेवलेंथ, देखो आप जो भी यूज कर रहे हैं लाइट उनकी दो सेटअप में लेकिन वेवलेंथ उनकी सेम है, यानी लिखा जा सकता है λ1 इज इक्वल टू λ2, दो अलग अलग सेटअप है वेवलेंथ सेम है। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ आर ऑब्टेन, फ्रिंज विड्थ भी इक्वल है जिसे हम आमतौर पे x के नाम से जानते हैं, x1 इज इक्वल टू x2। इफ द रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन स्मॉल स्लिट डिस्टेंस यानी d1 डिवाइड बाय d2, उनका सेपरेशन दिया है 2/3 उनका सेपरेशन है। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, मतलब कैपिटल d का आपको रेशियो निकालना है, सो d1/d2 क्या होगा ये मालूम करना है। ठीक है, उसने कहा है फ्रिंज विड्थ इक्वल है, लिख लेता हूं मैं x1 is equal to x2। x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d, और पहले के लिए λ1 d1 अपॉन स्मॉल d1 आ जाएगा, और दूसरे के लिए λ2 कैपिटल d2 अपॉन स्मॉल d2। ठीक है, वेवलेंथ तो उसने इक्वल कह दिया है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वेशन में बचा d1 अपॉन स्मॉल d1 इज इक्वल टू d2 अपॉन स्मॉल d2। हमको कैपिटल d का रेशियो निकालना है, यानी इक्वेशन बनेगी d1/d2 इज इक्वल टू, यहाँ का स्मॉल d1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, सो रेशो बन जाएगा d1/d2, वो जो दिया हुआ है हमको 2/3, बस यही रेशो बनना चाहिए, सो रेशो 2/3 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए 2:3। समझ गया, ए कंपोजिट स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k एंड 2k, थिकनेस x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। तो आपने क्या किया, एक कंपोजिट स्लैब बनाया, मान लीजिए कि ये पहली स्लैब है और ये दूसरी स्लैब है, जैसा डेटा दिया पहले की थर्मल कंडक्टिविटी k है, अलबत्ता दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी 2k के बराबर है, थिकनेस दिया पहले की थिकनेस x और दूसरे की है 4x। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सर्फेसेस ऑफ द कंपोजिट स्लैब, तो आउटर सर्फेसेस यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए T2 है और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, और T2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हीट कुछ इस अंदाज में लेफ्ट से राइट की तरफ कंडक्ट करने वाली है, फ्लो करने वाली है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दिया है जिसे हम थर्मल करंट भी कहते हैं, थ्रू द स्लैब इन अ स्टेडी स्टेट इज ए T2 - T1 / x × f।
वेयर एफ इज इक्वल टू, तो आपको ये एफ की वैल्यू मालूम करना है। इक्वेशन में लिख लेता हूँ, उसने कहा है थर्मल करंट यानी कैपिटल एच बराबर कितना, ए अंडर द ब्रैकेट ऑफ टी टू माइनस टी वन अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ एफ। ये एफ की वैल्यू हम लोग मालूम करना चाहते हैं। ओके, तो देखो जब हीट कंडक्शन का, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आए तो उसको हीट ट्रांसफर का मत समझो, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का समझो। जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हीट फ्लो होती है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो हुई उसे हम हीट करंट यानी एच का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन के यानी करंट के फ्लो होने का रीजन वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और हीट के फ्लो होने का रीजन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा उसी तरीके से यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस होगा। यानी ये पहला स्लैब, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया। अगर ये कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में आ जाएंगे, इनसे इक्वल अमाउंट की हीट फ्लो करने वाली है। इसलिए मैं पहले के रेजिस्टेंस को आर वन नाम देता हूँ और दूसरे के रेजिस्टेंस को आर टू नाम देता हूँ। बेहतर ये है कि हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लें, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में है उसी तरीके से हीट ट्रांसफर में है। कितना होगा अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम वहां लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। और आर का फॉर्मूला क्या है, वहां फॉर्मूला होता था रो एल डिवाइडेड बाय ए, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा एल वन अपॉन पहले की थर्मल कंडक्टिविटी के वन और पहले का एरिया ए। उसी तरीके से दूसरे की थिकनेस या लेंथ एल टू, थर्मल कंडक्टिविटी के टू और एरिया ए, सीरीज में एरिया सेम ही होता है। ओके, अगर हम आर इक्विवेलेंट के तालु से बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले स्लैब की थिकनेस एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन के वन टाइम्स ऑफ ए, और के वन उसने दिया हुआ है, के वन कितना है, के वन के बराबर है, पहले स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी के वन के बराबर। सिमिलरली दूसरे स्लैब के तालु से सोचे तो हम लिख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है फोर एक्स, अलबत्ता थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 4K, है ना, सॉरी 2K के बराबर, थर्मल कंडक्टिविटी 2K के बराबर है, लेकिन थिकनेस जो है उसकी, वो थिकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 4X के बराबर है, तो यहाँ 2K और एरिया A के बराबर। इसको मैं और एक बार लिख लेता हूँ, यानी R इक्विवेलेंट बन जाएगा पहले का लेंथ X थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया A, दूसरे वाले का थिकनेस 4X थर्मल कंडक्टिविटी 2K और एरिया A, ठीक है। यहाँ का 2 यहाँ के 2 को कैंसिल करेगा, इक्वेशन में बचा x अपॉन के ए प्लस 2x अपॉन के ए, x अपॉन के ए प्लस 2x अपॉन के ए। यहाँ से पता चला r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3x अपॉन के ए, r इक्विवेलेंट बन गया 3x अपॉन के ए। ये वैल्यू हमको रेजिस्टेंस की मिल गई, लेकिन हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम मालूम तो करंट करना चाहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हीट करंट का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर होता है ना। डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस, यानी लिखा जा सकता है एच इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी टू माइनस टी वन, और अभी हमने निकाला हीट रेजिस्टेंस कितना है, थ्री एक्स अपॉन के ए। ये के ए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर, यानी इक्वेशन बनेगी के ए अंडर द ब्रैकेट ऑफ टी टू माइनस टी वन अपॉन 3x, ठीक है। यहां से हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको कंपेयर करना है के ए टी टू माइनस टी वन अपॉन x के साथ, तो टी टू माइनस टी वन ए और नीचे का x अगर हम कैंसिल कर ले तो हमको पता चला कि f की जगह पर कितना है, f की जगह पर है 1/3, सो आंसर शुड बी f की जगह पर 1/3, सो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, f की जगह पर 1/3 आया, समझा। ए ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस r, एक ब्लैक बॉडी है स्फीयरिकल शेप में जिसका रेडियस r है, हुज रेट ऑफ रेडिएशन इज e, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर e के बराबर है एट टेम्परेचर t। इफ रेडियस इज मेड r बाय 3 एंड टेम्परेचर इज मेड 3t, द रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, स्टीफंस लॉ के थ्रू हम जानते हैं रेट ऑफ रेडिएशन यानी इमिसिव पावर इज इक्वल टू e a सिग्मा t रेस टू 4। यहाँ हमने बॉडी का नेचर चेंज नहीं किया, इसका मतलब e कांस्टेंट है, सिग्मा तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसलिए लिखा जा सकता है इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल एज टेम्परेचर का पावर 4, और एरिया को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर है ना, इसलिए एरिया हो जाएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर और टेम्परेचर टू दी पावर 4। यहाँ अगेन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसलिए इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी टू दी पावर 4। यानी हम लिख सकते हैं
बाद वाला इमिसिव पावर यानी ई टू डिवाइड बाय इनिशियल इमिसिव पावर यानी ई वन इज इक्वल टू रेडियस का रेशो. सो ऊपर आ जाएगा आर टू और नीचे आ जाएगा आर वन, यानी इक्वेशन बनेगी आर टू डिवाइडेड बाय आर वन और रेडियस का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और साथ में टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए आ जाएगा टी टू बाई टी वन उसका पावर कितना टू दी पावर फोर. रेडियस उसने दिया है, बाद वाला रेडियस कितना है, बाद वाला रेडियस इनिशियल का वन थर्ड है इसलिए लिख लेता हूं मैं आर बाई थ्री, और इनिशियल रेडियस दिया हुआ था कैपिटल आर और इसका हमको स्क्वायर करना है. बाद वाला टेम्परेचर कितना है थ्री टी, और पहले वाला टेम्परेचर कितना है टी और इसका पावर कितना टू दी पावर फोर. ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल होगा, इस आर को ये आर कैंसिल कर लेगा, ये टी इस टी को कैंसिल कर लेगा, जो बचा वो लिख लीजिए. यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है वन बाय थ्री का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ है थ्री का पावर फोर. वन बाय थ्री का स्क्वायर यानी वन बाय नाइन, और थ्री का पावर फोर यानी नाइन इंटू नाइन, है ना, ये नाइन इस नाइन को कैंसिल करेगा यानी इक्वेशन बनी ई टू बाय ई वन इज इक्वल टू नाइन, यानी हमको पता चला E2 is equal to 9 times of E1, और E1 की इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ E दिया हुआ है इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 9E. ये आ जाएगा बाद वाली इमिसिव पावर, यानी रेडियस ट्रिपल करने पर और टेम्परेचर ट्रिपल करने पर इमिसिव पावर 9 टाइम्स बढ़ जाएंगी, 9E हमारा सही आंसर होगा. द पोटेंशियल ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स आर 20 वोल्ट एंड माइनस 20 वोल्ट. मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, उसकी पहली प्लेट पे आने वाला पोटेंशियल V1 कहता हूँ मैं, ये है प्लस 20 वोल्ट के बराबर, और दूसरी प्लेट पे आने वाला पोटेंशियल V2 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 20 वोल्ट. द चार्ज ऑन द प्लेट इज 40 कूलम, इस पे आने वाला जो चार्ज है जिसे हम Q से लिखते हैं वो 20 कूलम के बराबर है. द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दी है चार्ज कितना है 20. अलबत्ता पोटेंशियल हमको नहीं मालूम, अगर हमको पोटेंशियल मालूम हो गया तो काम ही हो गया, उसने इंडिविजुअल प्लेट्स का पोटेंशियल दिया है, इसलिए ऐसा करेंगे हम डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, यानी वी वन माइनस वी टू. वी वन कितना है, वी वन है 20 और वी टू कितना है, वी टू है माइनस 20, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20 प्लस 20, सो आंसर आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से 40 वोल्ट का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया. अब दोबारा फॉर्मूले पर वापस आइए, C इज इक्वल टू Q बाई V, चार्ज कितना है, चार्ज है 40 और पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 40, यानी कैपेसिटेंस आना चाहिए 1 फैराड, कैपेसिटेंस आना चाहिए 1 फैराड के बराबर, यानी ऑप्शन B करेक्ट होगा. ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, पहली बात नोट करने की है कि स्टडी डिस्क की चल रही है जिसका मास m है, रेडियस r है, इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो डिस्क सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर रही है जो उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है. अनदर डिस्क ऑफ सेम रेडियस, दूसरी भी डिस्क है जिसका रेडियस सेम है लेकिन मास है m by 2, इस प्लेस जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क को एक्जियली, दोनों सेम एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो जैसे ही आपके सामने डिस्क आई, सेंट्रल एक्सिस आया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू. डेटा लिख लीजिए, पहली डिस्क का मास है कैपिटल एम, उसका रेडियस है आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये पहली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ. पहले इनिशियली ये रोटेट कर रही थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, उसके बाद दूसरी डिस्क लाकर रखी गई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भी डिस्क है, सेंट्रल एक्सिस से रोटेट कर रही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर by 2. अलबत्ता दूसरी डिस्क का मास है m by 2, तो यहाँ m by 2 आया, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड by 2, यानी सेकेंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया m r स्क्वायर डिवाइडेड by 4. लेकिन बाद में क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, हम दोनों डिस्क को एक साथ प्लेस कर रहे हैं और बाद में दोनों के दोनों डिस्क रोटेट करने वाले हैं, इसलिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद वाला, इसे हम फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, वो दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू को अगर हम कर लें तो हमको सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो कुछ ऐसा है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर. अगर हम यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई फोर कॉमन निकाल लें, सो एम आर स्क्वायर बाई फोर कॉमन निकलने पर हमको पता चला यहाँ से फोर कॉमन निकल गया, इसका मतलब हमने टू से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ टू बच गया और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर वन, टू प्लस वन ये आ गया थ्री, यानी आंसर आना चाहिए थ्री बाई फोर एम आर स्क्वायर. ठीक है,
3/4 mr2। ये वैल्यू हमको मिली फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इनिशियली एक ही डिस्क थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr2/2 बनना चाहिए। अब देखिए, जब ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, पहली डिस्क घूम रही थी, उसके बाद दूसरी डिस्क को लाकर रखा गया, साथ में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जेंटली प्लेस किया गया, इसका मतलब हमने अपनी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, इसका मतलब नेट टॉर्क अप्लाई होने वाला जीरो हो गया। अगर नेट टॉर्क जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। इनिशियली डिस्क थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल, बाद में दोनों डिस्क कंबाइन हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई फाइनल और ओमेगा हो गया ओमेगा फाइनल। ठीक है, सॉल्व करते रहिए। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू, और इनिशियल ओमेगा कितना है, ओमेगा के बराबर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 3/4 mr2, और फाइनल ओमेगा हम लोग मालूम करना चाहते हैं, ओमेगा फाइनल एज इट इज। चलो जी, कुछ कैंसिल होगा, यहाँ का एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1s और 2 2s, जो बचा वो लिख लो। क्या बचा है, यहाँ बचा है सिर्फ ओमेगा और यहाँ बचा है 3/2 times ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से पता चला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 times ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, 2/3 ओमेगा। सो आंसर आना चाहिए 2 ओमेगा/3, ये बाद की एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, समझा। ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर में नोट कर लेता हूँ कितना होगा, 273 केल्विन। इस सडनली कॉम्प्रेस्ड, ये अहम स्टेटमेंट है, सडनली इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात चल रही है। तो पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, फिर अचानक हमने उसको कॉम्प्रेस किया, कब तक कॉम्प्रेस किया, टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जितना पहले वॉल्यूम था अब उसका कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ये कंडीशन उसने दिया। इफ CP/CV यानी गामा इज इक्वल टू 1.5 देन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नोट कीजिए, आपको फाइनल टेम्परेचर मालूम नहीं करना है, आपको चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, पहले फाइनल टेम्परेचर मालूम कर लेंगे, बाद में दोनों को माइनस कर लेंगे। ओके, हम जानते हैं कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेंगी PV^γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन हमको यहाँ रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का चाहिए, इसलिए लिखा जा सकता है PV^γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस की ही इक्वेशन है, लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, यानी हम लिख सकते हैं TV^γ-1 इज इक्वल टू TV^γ-1। आगे बढ़ते रहिए, इनिशियल टेम्परेचर को फिलहाल मैं एज इट इज रखता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम power γ-1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर एज इट इज, लेकिन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 1/4 times ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और ब्रैकेट का पावर कितना, ब्रैकेट का पावर γ-1। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करना चाहता हूँ, इक्वेशन बन जाएंगी TV^γ-1 इज इक्वल टू TV, और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में वी इनिशियल है, इसका पावर γ-1 अपॉन 4^γ-1। ठीक है, ये वी इनिशियल का पावर γ-1 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन 4। गामा की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितनी है, 1.5, लिख लेता हूँ 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 कितना, 0.5, यानी 0.5, या उसे लिखा जा सकता है 1/2। दूसरे अल्फाज में इनिशियल टेम्परेचर बन जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन 4^1/2, 4^1/2, जिसे हम 4^2 या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, यानी इनिशियल टेम्परेचर बनेगा TInitial इज इक्वल टू क्यों हो रहा होगा भैया, तुम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंटिन्यू बोलते रहते क्या जी, जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा ना तो इसमें कंटिन्यू पूरा बड़ 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 बड़
बस ना भाई, कितना लोड ले रहे तुम? मतलब ये अगर अपन मेगा वाले के दिखे ना, अगर तो ध्यान हट जाता। तो नहीं सुनते। तो ये वाला नॉर्मल प्लेटर स्टार हुआ था ना, तो भाई तब तक बोल दिया CS2 लिखने का रहा था ना। अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, एक गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी इनिशियल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर यानी 273 केल्विन होगा, इज सडनली कॉम्प्रेस्ड। ध्यान दीजिए सडनली वाला वर्ड आया है, जैसे ही ये वर्ड हमारे सामने आया हमको समझ में आ गया प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात चल रही है। सडनली कॉम्प्रेस किया गया 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम का 1/4, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई 4। If gamma is equal to 1.5, then increase in temperature. ध्यान दीजिए आपको final temperature नहीं मालूम करना है, आपको change in temperature, increase in temperature मालूम करना है। अगर adiabatic process है तो हम equation of state लिख सकते हैं PV का power gamma is equal to constant, लेकिन हमको information volume और temperature के form में चाहिए, इसलिए equation बन जाएंगी PV का power gamma minus 1 is equal to constant, ये याद होना चाहिए, यानी लिखा जा सकता है T initial V initial का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T final V final टू द पावर गामा माइनस वन। डेटा में फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ, T initial V initial टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T final एज इट इज। अलबत्ता फाइनल वॉल्यूम को लिखा जा सकता है इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय 4, जैसे कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, इसका पावर गामा माइनस वन। ये कॉमन पावर है, इसको बांट कर दे देंगे, यानी T final V initial का पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर गामा माइनस 1, और यहाँ जो चीज है उसका एज इट इज टी इनिशियल वी इनिशियल का पावर गामा माइनस 1, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इक्वेशन में जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा है टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन 4 टू द पावर, गामा का वैल्यू दिया है कितना है 1.5, लिख लीजिए 1.5 माइनस 1, यानी टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन 1.5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0.5, यानी 1/2। सो इक्वेशन बनेगी टी फाइनल अपॉन 4 का पावर 1/2, यानी अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2, चलेगा ऐसा, यानी इनिशियल टेम्परेचर दिया है 273, हम फाइनल की वैल्यू निकाल कर बाद में चेंज की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी फाइनल इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3 2 6, 7 2 14 का 141, यानी 2 2 41 5 546 केल्विन, इतना टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू हुई। यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा जी या इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल कितना है 546 और इनिशियल कितना है 273, इन दोनों को माइनस करने पर नंबर मिलेगा 273 केल्विन के बराबर का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समझे। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन द सेम सरफेस, सरफेस सेम है, इसका मतलब पहले जितना वर्क फंक्शन था बाद के केस में भी उतना ही वर्क फंक्शन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी बाय 6, देन द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आपको मालूम करना है, ठीक है। पहले लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा 1 थी, लैम्बडा थी, उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल वी के बराबर था। हम जानते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेवलेंथ के फॉर्म में क्या बनेगी, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 के लिए डेटा फर्स्ट के लिए लिखना चाहें तो एच सी एज इट इज है, और पहले वाले के लिए वेवलेंथ लैम्बडा है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको थ्रीशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, इसलिए मैं वर्क फंक्शन को एच सी बाय लैम्बडा नॉट के फॉर्म में लिखता हूँ, और पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल उसने दिया है वी के बराबर, इसकी इक्वेशन बन जाएंगी ई वी, समझे इतना, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है, जब हमने उसकी वेवलेंथ 3 लैम्बडा कर लिए तो एच सी बाय यहाँ पर 3 लैम्बडा आ जाएगा, हमने मेटल नहीं बदले, इसका मतलब वर्क फंक्शन उतना ही है एच सी बाय लैम्बडा नॉट, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी बाय 6, इसकी इक्वेशन बनेगी ई वी बाय 6,
ठीक है, हम लोगों को मेहनत इस V नॉट के ऊपर करना है। ये V नॉट की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा, यदि हम यहाँ से EV की वैल्यू गायब करना चाहते हैं। अब यहाँ से हम EV की वैल्यू मालूम करेंगे या यहाँ से मालूम करेंगे, बेहतर ये है इस ऊपर वाली इक्वेशन से मालूम कर लें। यहाँ EV एज इट इज रखेंगे, यानी इक्वेशन बन जाएंगी HC by lambda minus HC by lambda not। इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 के अंदर रखिए, पुट वैल्यू ऑफ EV इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जब हम वैल्यू लिख लेंगे तो इक्वेशन 2 के हिसाब से डेटा बन जाएगा HC by 3 lambda is equal to HC by lambda not plus EV की जगह पर लिखा जा सकता है EV की वैल्यू कितनी आई HC by lambda minus HC by lambda not। तो यहाँ EV by 6 है, इसलिए बेहतर ये है कि हम पहले 1 by 6 कॉमन निकाल लें, यानी इक्वेशन बन जाएंगी 1 by 6 अंडर द ब्रैकेट ऑफ HC by lambda minus HC by lambda not। लिख लेता हूँ 1 by 6 अंडर द ब्रैकेट ऑफ HC by lambda minus HC by lambda not। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस थोड़े से हैं। यहाँ से HC by 3 lambda as it is, यहाँ HC by lambda not as it is, इसको 1 by 6 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस HC by 6 lambda माइनस माइनस प्लस HC by 6 lambda not। इतना समझा? अब देखिए यहाँ HC 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 कॉमन निकल के यहाँ के HC से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में बचा 1 by 3 lambda is equal to 1 upon lambda not minus 1 upon 6 lambda plus 1 upon 6 lambda not। ये 6 lambda को यहाँ बुला लेता हूँ, 1 upon 3 lambda plus 1 upon 6 lambda is equal to 1 upon lambda not plus 1 upon 6 lambda not। ठीक है, कुछ कॉमन निकलेगा, 1 by 3 lambda कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा plus 1 by 2। यहाँ 1 by lambda not कॉमन निकाल देंगे, 1 by lambda not कॉमन निकालने के बाद बचा 1 plus 1 by 6। ठीक है, ओके, सो यहाँ का 1 by 3 lambda as it is, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3, तो आ जाएगा 3 by 2 is equal to 1 upon lambda not into 6 1 जा 6, 6 plus 1 7, तो आ जाएगा 7 by 6। यहाँ का 3 इस 3 को कैंसिल करेगा और ये 2 इस 6 को कैंसिल करके यहाँ आ जाएगा 3, यानी 1 upon lambda is equal to 7 by 3 into lambda not। हमको threshold wavelength यानी lambda not मालूम करना है, इसको numerator में बुला लेंगे तो आंसर आएगा lambda not is equal to 7 lambda by 3। आंसर आना चाहिए lambda not is equal to 7 lambda by 3, जो क्या गलत है, क्यों गलत है, अभी भी लोड ले रहा, देखो यार हाँ वो ज्यादा सही है, उतना सही नहीं होना, थोड़ा गलत होना। प्लस 1 बाय 6 है, यहाँ प्लस है, प्लस तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ऐसे कैंसिल, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 1 by 3 lambda 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 6, तो ये बन जाएगा 1 by 3 lambda into 1 by 2 is equal to 1 by lambda not into 5 by 6, ये 6 और ये 6 cancel, मतलब आंसर आ जाएगा lambda not is equal to 5 lambda, option D correct होगा। When a light of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, the stopping potential is V। जब lambda wavelength incident की गई तो हमने observe किया कि stopping potential V के बराबर है। When light of wavelength 3 lambda is incident on the same surface, देखो ये surface same है, इसका मतलब दोनों case में
वर्क फंक्शन सेम होगा, जो पहले मेटल का होगा वही दूसरे का भी होगा, सरफेस वही है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नाउ बिकम वी बाई सिक्स, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्बडा नॉट आपको मालूम करना है। ओके, हम केस वन के बारे में बात करते हैं। केस वन में हमने क्या किया, लैम्बडा वेवलेंथ इंसिडेंट की। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू लिखा जा सकता है एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस ई वी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है। पहले वेवलेंथ लैम्बडा थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी था। अब यही इक्वेशन हम दूसरे के लिए लिखना चाहते हैं, तो दूसरे की बात जब बात करेंगे तो वहां वेवलेंथ भी बदल जाएंगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जाएगा, लेकिन वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा क्योंकि सरफेस नहीं बदला। इसकी इक्वेशन बन जाएगी एच सी बाय दूसरे की वेवलेंथ कितनी है, 3 लैम्बडा, दूसरी मरतबा लाइट की वेवलेंथ 3 लैम्बडा। मेटल वही है, इसकी वर्क फंक्शन एच सी बाय लैम्बडा नॉट ही होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी बाय 6, आंसर बनेगा ई वी डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ से हम ई वी की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखेंगे ताकि हमको लैम्बडा नॉट की वैल्यू मालूम हो सके। बताइए तो सही, यहाँ से ई वी की वैल्यू कितनी आएंगी, ई वी बन जाएगा एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। इक्वेशन में जो टर्म एज इट इज है उनको मैं और एक बार लिख लेता हूँ, एच सी बाय 3 लैम्बडा एज इट इज, और यहाँ का एच सी बाय लैम्बडा नॉट भी एज इट इज, और ये ई वी बाय 6 है इसलिए प्लस 1 बाय 6 को फिलहाल एज इट इज दिखता हूँ, और ई वी की जगह पर लिख लिया जाएगा एच सी बाय लैम्बडा नॉट, सॉरी एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। ठीक है, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। ओके, यहाँ से इक्वेशन बनी एच सी बाय 3 लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट, 1 बाय 6 से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा एच सी बाय 6 लैम्बडा माइनस एच सी बाय 6 लैम्बडा नॉट। हर जगह एच सी न्यूमरेटर में है, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बची, 1 अपॉन 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस 1 अपॉन 6 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन 6 लैम्बडा नॉट। ओके, सो ये 1 बाय 3 लैम्बडा एज इट इज है, और ये प्लस 1 बाय 6 लैम्बडा को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 लैम्बडा। यहाँ पर 1 अपॉन लैम्बडा नॉट एज इट इज माइनस 1 अपॉन 6 लैम्बडा नॉट एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ से 1 बाय 3 लैम्बडा कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बचा 1 बाय 6, 6 नहीं क्योंकि हमने 3 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बचा 1 बाय 2, यहाँ आ चुका है 1 बाय 2, यानी 1 माइनस 1 बाय 2 इक्वेशन के अंदर बचेगा। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से कुछ कॉमन निकला 1 बाय लैम्बडा नॉट कॉमन निकल जाएगा, इक्वेशन में क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय 6। ओके, यानी 1 अपॉन 3 लैम्बडा इंटू 2 वन जर 2, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा नॉट एज इट इज, ये आ जाएगा 5, 6 माइनस 1 यानी 5 बाय 6। देखिए ये 3 इंटू 2 6 और ये 6 कैंसिल, जो बचा वो लिख लो, क्या बचा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 5 बाय लैम्बडा नॉट, हमको लैम्बडा नॉट चाहिए इसलिए लैम्बडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 5 लैम्बडा, यही हमारा आंसर होना चाहिए, तो वर्क फंक्शन शुड बी 5 लैम्बडा। समझा, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है, होगा क्या, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए, नॉर्मल के साथ आने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल जितना हो जाए, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल जितना हो जाए, देखो बात यह है, मैं पूरी थ्योरी आपको बता देता हूँ, होगा क्या, जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसी जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर कुछ ऐसी जाएंगी, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू भी चेंज होंगी, यहाँ तक कि वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी। जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होने वाली या रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ जाती है उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो लाइट दूसरे मीडियम में जाना बंद कर देती है, यहाँ कोई लाइट नहीं जाती, लाइट दोनों मीडियम के सरफेस के साथ साथ होती है। और अगर आप TIR करना चाहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट को पहले मीडियम में वापस लाना चाहते हैं, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर ये एंगल की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएंगी, सरफेस के साथ भी नहीं होंगी, पहले ही मीडियम में वापस आ जाएंगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आप TIR करवाना चाहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन द गिवन सर्किट इफ DI/DT इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड,
देन द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, तो आपको पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। देखिए ए से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले 12 ओम का रेजिस्टर है, करंट फ्लो होने वाला 2 एम्पियर है, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में है, मतलब सभी से 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए तो हम लिख सकते हैं वी ए, जैसे जैसे हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू, फाइनली हम पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पर। सो वी ए एज इट इज, ये वी बी इस तरफ बुला लो, माइनस वाला वी बी इज इक्वल टू, ये बाकी सारे माइनस टर्म को उधर भेज दो, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब रेजिस्टर के पास का वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला है आई टाइम्स ऑफ आर, और इंडक्टर के पास का वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला है वी या ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, लेकिन माइनस के साथ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर के पास का वोल्टेज तो उसने क्वेश्चन में ही दिया है। करंट कितना फ्लो करना, बस डेटा लिख लो आपका आंसर आ जाएगा। करंट कितना फ्लो कर रहा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा, रजिस्टर की वैल्यू 12 के बराबर है, माइनस एल की वैल्यू कितनी है 6, और डी आई बाई डी टी कितना है माइनस 1, प्लस कैपेसिटर के पास कितना है, कैपेसिटर के पास पहले से ही 12 है, 12 टू जा कितना 12 2 जा 24, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 6 प्लस 12, ठीक है, यानी 24 प्लस 12 आंसर ही नहीं आ रहा। किसका? अरे बेचारा खटू, प्लस एल लेने का है। तीस आंसर आता, क्यों लोड ले रहे हो बात इतनी बार बार? तुम इतना लोड नहीं लेते ना घटा, खटा हो इतना ऐसा बड़ा सर्कल बनेगा कि वो भी कुछ दिखेगा नहीं इधर उधर का। हाँ वो तो बहुत छोटा है ना, वो घुमाओ तुम। अभी बात समझने ना समझने की नहीं चल रही, छोटे बड़े की चल रही। छोटा बड़ा चल रहा है, क्या बड़ा हो गया छोटा, तो मुंडी में तो ऐसे घूम जाएंगे, कमर घूमे तो उस इसमें औरस में झूले आते ना बड़े बड़े ऐसे घूम होता है। हाँ खटा तुम कमर घुमाए तो अर्थ का रोटेशन भी डिस्टर्ब होता होगा ना, अर्थ का रोटेशन। जी कटा। इन द गिवन सर्किट इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी का वैल्यू दिया, देन द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, सर्किट के हिसाब से वी ए माइनस वी बी आपको निकालना है एट दिस इंस्टेंट विल बी। चलो ए से जब हम चलेंगे तो पहले रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है और कैपेसिटर है, और ये तीनों एलिमेंट सीरीज में लगे हुए हैं, यानी सबसे फ्लो करने वाला करंट सेम है 2 एम्पियर के बराबर। अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सबसे पहले तो वी ए से हम चल रहे हैं, तो जब हम वी ए से चलेंगे क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, डिक्रीज होगा, इसलिए लिख सकते हैं वी ए माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये सब माइनस करने के बाद बच जाएगा वी बी, यानी इक्वेशन बनी VE VA माइनस VB इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। चलो रेजिस्टर के पास का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ओहम्स लॉ के थ्रू I टाइम्स ऑफ R, और इंडक्टर के पास का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल या EMF इज इक्वल टू L DI / DT होता है, ठीक है L DI / DT, और कैपेसिटर के पास का पोटेंशियल तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है कैपेसिटर के पास 12 वोल्ट, इस 12 वोल्ट को यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, करंट भी दिया हुआ है, रजिस्टर भी है, एल की वैल्यू भी है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी है, पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, बस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, कैलकुलेशन करना है और आंसर तक पहुँचना है, यानी हम इक्वेशन बनेंगे I इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी प्लस 12, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी है, करंट उसने क्वेश्चन में दिया है 2 एम्पियर के बराबर, और रेजिस्टेंस है 12 प्लस एल की वैल्यू है 6 हेनरी, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू दिया है माइनस 1,
प्लस 12, चलो जी 12 टू जा कितना 24, माइनस 6 प्लस 12, माइनस 6 प्लस 12 ये बचेगा प्लस 6, आंसर आ जाएगा 24 प्लस 6, यानी टोटल पोटेंशियल हुआ 30। ये वैल्यू हो गई वी ए माइनस वी बी की, सो वी ए माइनस वी बी शुड बी इक्वल टू 30, समझ गया, वी ए माइनस वी बी 30 वोल्ट के बराबर होगा। एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 220 वोल्ट एसी सोर्स। ठीक है, यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है एसी सोर्स के साथ, मतलब ये आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स है। ओके, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक इंडक्टर है, कितने का है 0.5 मिली हेनरी का, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा है 20 माइक्रोफेरेड का और एक रेजिस्टेंस है, कितने का रेजिस्टेंस है 20 ओम का। ये कनेक्टेड है सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ, ये एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू उसने दिया है, यानी मैं लिख लेता हूँ ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट। जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो आरएमएस वैल्यू दी हुई होती है। आगे का स्टेटमेंट, इफ द करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ, करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, ये कब होता है, अगर करंट और ईएमएफ सेम फेज में हो जाए तो हम जानते हैं ये रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, यानी यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा। क्योंकि थोड़ा सा एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, ये हमारे पास डायग्राम होंगी जिसमें फेजर डायग्राम, हम यहाँ करंट बनाते हैं तो जहां करंट बनाया जाता है वहीं ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर बनाया जाता है, और ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर ऊपर और ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर नीचे। अभी हम कंसीडर करते हैं कि ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको नेट वैल्यू मिलेंगी जिसे हम कहते हैं ईएल माइनस ईसी, क्योंकि करंट सेम होता है इसलिए यही बराबर हो जाता है XL माइनस XC के, और ये आ जाता है हमारा रिजल्टेंट EMF और ये बनता है उनके बीच का फेज एंगल। लेकिन उसने कहा है कि यहाँ phi की वैल्यू जीरो है क्योंकि EMF और करंट सेम फेज में है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड जीरो होना चाहिए, इसका मतलब XL माइनस XC का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब XL शुड बी इक्वल टू XC, यानी रेजोनेंस की कंडीशन होगी अगर EMF और करंट सेम फेज में हो तो। ठीक है, यहां से पता चला कि उसने कहा है इफ द करंट इज इन सेम फेज विद द ईएमएफ, मतलब ईएल और ईसी बराबर बराबर है, एक्सएल और एक्ससी बराबर बराबर है, आपको पता क्या करना है, द मैक्सिमम करंट, आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट नहीं मालूम करना, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मालूम करना है। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज अंडर रूट एक्स ए, उसने दिया है मैक्सिमम करंट की वैल्यू अंडर रूट एक्स ए है, तो आपको एक्स की वैल्यू मालूम करना है। अब हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे, ओहम्स लॉ यू कहता है कि I इज इक्वल टू V बाय R, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन ERMS की दी हुई है, इसलिए पहले हम पता करेंगे IRMS, उसके बाद हम IRMS का फॉर्मूला यूज करेंगे, IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट टू, वहां से हमको I नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, I इज इक्वल टू, यहाँ मैं IRMS की बात कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू V या E लेकिन RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय R, जो यहाँ के केस में Z के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ के केस में XL और XC सेम है तो इसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, मतलब Z बराबर हो जाएगा R के। अब ये इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस होंगे, हम IRMS की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसने दिया है ERMS कितना है, ERMS है 220, ERMS है 220 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू या Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू R के बराबर और रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो यहाँ 20 से डिवाइड कर लेता हूँ, 0 0 को कैंसिल करेगा, इसका मतलब IRMS comes out to be कितना 11 एम्पियर, 11 एम्पियर का IRMS की वैल्यू हमको मिल चुकी है। लेकिन हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है I नॉट, हम जानते हैं IRMS is equal to I नॉट by root 2 बराबर I नॉट by root 2, यहां से पता चला I नॉट is equal to under root 2 times of IRMS, IRMS, यानी लिखा जा सकता है I not is equal to under 2, और IRMS की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है वो 11, अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर चले जाए तो 11 का स्क्वायर होकर अंदर जाएगा जो है 121, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ये आई आई नॉट की वैल्यू। उसने क्वेश्चन में दिया है कि आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम करंट कितना है अंडर रूट एक्स, यानी हम लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई है अंडर रूट 242, कंपेयर करने पर पता चलेगा कि एक्स बराबर हो गया 242 के, यानी एक्स शुड बी इक्वल टू 242, यही हमारा आंसर होगा, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। The wavelength of radiation emitted is lambda naught when an electron jump from second excited state to the first excited state. अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर second excited state से first excited state में jump कर रहा है, ध्यान दीजिए आमतौर पे जब हम second पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है number of orbit second, लेकिन ये second orbit नहीं है,
ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से प्लस वन. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के माने हो जाएंगे इनिशियल ऑर्बिट 3 और फाइनल ऑर्बिट 2, है ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, फाइनल ऑर्बिट 2. आगे बढ़िए, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है. अगर हम यहाँ एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट 1/NF² माइनस 1/Ni². The wavelength of radiation emitted is lambda naught when an electron jump from second excited state to the first excited state of hydrogen atom. अगर electron second excited state से first excited state में jump करता है तो वहां पे उसने दिया है कि wavelength जो emit हो रही है वो lambda naught के बराबर है. ध्यान दीजिए, जब भी हमारे जहन में second excited state आता है तो हम इस second के ऊपर खूब focus करते हैं. second के वजह से हमको समझ में आ जाता है number of orbit 2 लेना, लेकिन नहीं लेना. क्यों नहीं लेना? कि ये excited state की बात कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे initial orbit 2+1. excited state मतलब initial orbit 3 और final orbit कितना? फाइनल ऑर्बिट हो जाएगा 2. अगर वो कहता कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा तो चलता, उसने क्या कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा, मतलब 2 से 1 में नहीं आ रहा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, उस वक्त उसकी वेवलेंथ इमिट की हुई लैम्डा नॉट के बराबर है. हम जानते हैं फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/NF² माइनस 1/Ni² ठीक है. इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़िए, लिखा जा सकता है 1/λ0 इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट फाइनल ऑर्बिट कितना है सेकंड ऑर्बिट यानी 2² माइनस 1/इनिशियल कितना है 3² आगे बढ़िए 1/λ0 इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 2² कितना होता है 2² 4 और 3² कितना होता है 3² 9. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 1/λ0 इज इक्वल टू आर इंटू 9 - 4 ये हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4 × 9. ये काम की चीज है, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, उठा कर रखिए. अगली मर्तबा उसने क्या कहा, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब इनिशियल ऑर्बिट कितना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट है टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. उसने एक्साइटेड स्टेट नहीं कहा, वो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है मतलब 4 से 2 के अंदर जंप कर रहा. द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड विल बी, तो यहां के केस में जो वेवलेंथ रेडिएशन की इमिट हुई वो है 20 λ0/x. हमको यहाँ x की वैल्यू मालूम करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी. चलिए जी, हम उसी तरह ये फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे 1/λ = r 1/NF² - 1/Ni². यहाँ के केस में फाइनल ऑर्बिट हम पहले 4 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमको वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी और वेवलेंथ की वैल्यू में लैम्बडा की वैल्यू के साथ इक्वेट करने पर हमको यहाँ x की वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएंगी. ये होगा वो रास्ता जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/NF² माइनस 1/Ni² फॉर्मूले में डेटा रख लीजिए. बाद वाली वेवलेंथ जितनी भी हुई उसने कहा है कि वो वेवलेंथ की वैल्यू है 20 λ0/x. इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, शुड बी इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/ फाइनल ऑर्बिट कितना है, यहाँ के केस में फाइनल ऑर्बिट है 2² और इनिशियल कितना है, इनिशियल है 4² इक्वेशन में आगे बढ़िए. ये x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर x/20λ0 इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/4 माइनस 1/4² 16 ठीक है. आगे बढ़िए, x/20 एज इट इज और इसको मैं 1/λ0 के फॉर्म में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 16 - 4 ये बचेगा 12 और नीचे आ जाएगा 16 × 4. लेकिन अभी हमने इक्वेशन 1 में 1/λ0 की वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी आई वो यहाँ x/20 एज इट इज और 1/λ0 की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 1/λ0 इज इक्वल टू आर इंटू 5/4 × 9 बराबर इज इक्वल टू आर इंटू 12/16 × 4. आगे बढ़ते रहिए, ये r इस r को कैंसिल करेगा और कुछ कैंसिल होगा. यहाँ पे अगर हम देखें 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 और ये 4 × 4 = 16 और ये 16 कैंसिल, जो बचा वो लिख लो, क्या बचा है x/9 इज इक्वल टू 12/4 यानी 4 × 1 = 4, 3 = यानी x इज इक्वल टू 9 × 3. सो x की वैल्यू आना चाहिए 9 × 3 = 27, x शुड बी इक्वल टू 27.
यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होने वाला है, समझे? ऑप्शन डी की वैल्यू करेक्ट होगी, ऑप्शन डी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि x is equal to 27 बिल्कुल सही है। Two particles having mass m and m are moving in circular orbit with radius r and r respectively. दो पार्टिकल हैं, उनके मासेस अलग अलग है। पहले पार्टिकल का मास दिया हुआ है कैपिटल M और दूसरे पार्टिकल का मास दिया हुआ है स्मॉल m। उसी तरीके से उनके रेडियस भी अलग अलग है। पहले पार्टिकल का रेडियस है कैपिटल R और दूसरे वाले का रेडियस है स्मॉल r। द टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। द रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आपको रेशो निकालना है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, यानी ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या होगा ये आपको मालूम करना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल टू द सेकंड, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 ही मालूम करना है। चलो फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। यहां से लिख सकते हैं हम ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी 1, उसी तरीके से ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी 2, बराबर। यहां से अगर हम रेशियो ले लें तो बस हमारा आंसर आ गया ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ओमेगा 1 कितना है 2 पाई बाय टी 1 और ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा 2 है 2 पाई बाय टी 2, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल होगा। और उसने कहा है कि दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, इस वजह से ये दोनों भी कैंसिल होंगे, यानी ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1, जिसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1। सो आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए 1:1, ये हमारा सही आंसर होगा। The excess pressure inside a first spherical drop, ठीक है जी, drop की बात चल रही है, of water is 3 times that of second spherical drop of water. तो पहले मान लीजिए पहला drop है, पहले drop का radius r1 के बराबर है और दूसरा drop है इसका radius r2 के बराबर है। उसने कहा है कि excess pressure inside the first drop is how much? 3 times excess pressure in the second water droplet. ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप टू दैट ऑफ द सेकंड स्फेरिकल ड्रॉप। तो हमको उनके मासेस का रेशियो निकालना है, हमको निकालना है m1 डिवाइडेड बाय m2। लेकिन हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन दोनों सेम वाटर के ही बने हैं इसलिए डेंसिटी सेम होगी। और वॉल्यूम कैन बी रिटन एज स्फेरिकल ड्रॉप 4 बाय 3 पाई r1 क्यूब। उसी तरीके से दूसरे का वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। यहां से 4 बाय 3 पाई 4 बाय 3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी मासेस का रेशियो इस अंदाज में मिला कि m1 बाय m2 इज इक्वल टू r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब, जिसे लिखा जा सकता है r1 डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। यानी हमको बस रेडियस का कंपैरिजन या रेशियो निकालना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ एक्सेस प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है क्योंकि यहां ड्रॉप है तो आंसर आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय r। उसने कहा है कि पहले के अंदर आने वाला एक्सेस प्रेशर, फर्स्ट में आने वाला एक्सेस प्रेशर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द सेकंड वन। यानी हम फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर इन द फर्स्ट ड्रॉप कितना आ जाएगा, 2t डिवाइड बाय रेडियस ऑफ 1 बाय r1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ। सेकंड के अंदर आने वाला एक्सेस प्रेशर को लिखा जा सकता है 2t बाय r2। लेकिन दोनों भी वाटर से ही बने हुए हैं इसलिए दोनों का सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम होंगी, इसलिए यहां पर आ जाएगा 3 into 2t by r2, 3 into 2t by r2। और वहां से हम 2t कैंसिल कर लेंगे तो हमको रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, और रेडियस के रेशियो को उठाकर यहां रख लेंगे तो हमको मासेस का रेशियो मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, बस एक स्टेप बाकी, हम यहां सरफेस टेंशन की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी दूसरे ड्रॉप में आने वाला एक्सेस प्रेशर 2t by r2 के बराबर होगा। ये 2t इस 2t को खत्म करेगा, यानी r1 by r2, ये r1 को अगर हम यहां लेकर चले जाए तो r1 by r2 हो जाएगा 1 by 3, r1 by r2 हो जाएगा 1 by 3। ये वैल्यू उठाकर यहां रखी, r1 by r2 की जगह पर आ जाएगा 1 by 3 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, अलबत्ता 3 का क्यूब 27 होता है, ये उनके मासेस का रेशियो होना चाहिए। सो m1 by m2 is equal to 1 by 27, यानी m1 is to m2 is equal to 1 is to 27, समझा? When forward bias is applied to a PN junction, तो आपने क्या किया? एक PN junction consider किया। मान लीजिए कि ये depletion region form हुआ, ये region P वाला है और ये region N वाला है। यानी आपने P type को connect कर लिया positive terminal of battery से और N type को connect कर दिया negative terminal of battery से। ये forward bias में junction आ गया। Then what happens to barrier potential? तो barrier potential पर क्या होगा? देखो जब junction form होगा, barrier यहाँ पे हम battery connect नहीं करेंगे, तो यहाँ barrier potential आएगा।
और जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो यहाँ के होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ यानी एन रीजन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। इसका मतलब यहाँ का बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। सो क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल विल डिक्रीज। और साथ में एक वक्त ये आएगा जब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म क्यों हुई थी, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ ड्रिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ के होल का जाना रुक गया था, इस वजह से यहाँ डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया था। अब जब ये मूवमेंट शुरू हो गया तो बीच का ऑपोजिशन ही खत्म हो गया। इसका मतलब बैरियर हाइट की वैल्यू भी डिक्रीज होंगी या बैरियर विड्थ की वैल्यू भी डिक्रीज होंगी और साथ में बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। बोथ विल डिक्रीज, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाए तो दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है और रिवर्स बायस में दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है। टू इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी ईच, पहला इंडक्टर और दूसरा इंडक्टर दोनों के दोनों 60 मिली हेनरी के हैं, 60 मिली हेनरी का एक एक इंडक्टर, आर जॉइंड इन पैरेलल, आपने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो उनका एल इक्विवेलेंट, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/L equivalent इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2। यहां से पता चलेगा 1/60 + 1/60 मिली हेनरी में, यानी 2/60, ये आ जाएगा 1/L equivalent, जिसे मैं सिर्फ 1/L लिखता हूँ, यानी L बराबर हो जाएगा 60/2, यानी L equivalent आ जाएगा 30 मिली हेनरी के बराबर। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाला इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी के बराबर होगा। द करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन इज 2.2 एम्पियर, इस कॉम्बिनेशन से 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एज इट इज। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है कॉम्बिनेशन की, 30, और मिली मतलब 10^-3, और करंट कितना दिया हुआ है 2.2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते रहिए, ये हो जाएगा 15 × 2 से कैंसिल करने पर × 10^-3 × 2.2 × 2.2। तो बेहतर यह है पहले हम 2.2 का स्क्वायर ले ले, यानी 15 × 10^-3 एज इट इज। 2.2 × 22 × 44 × 4 × 22 × 44 चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, 15 × 4 = 60, 0 × 6 = 15, 8 = 120, 120 × 6 ये हो जाएगा 126, और कैरी किया 12, 15 × 4 = 60, 70, 72, यहाँ 72 एज इट इज, और दो के बाद डेसिमल आना चाहिए, मतलब 72.6 × 10^-3, 72.6 × 10^-3। अब देखिए आंसर, आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, बस हमको डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ 10^-3, और 10^-3 एडजस्ट करने के लिए डेसिमल 3 से पीछे जाएगा, मतलब आंसर आएगा 0.0726, ये आ जाएंगी जूल के अंदर एनर्जी। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 0.0726, आसान था। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल 60 डिग्री। मान लीजिए कि एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर एक लाइट बीम इंसिडेंट होती है। मैं पहले नॉर्मल बना देता हूँ, लाइट बीम ऐसे आई कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, यानी रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होती थी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होता था। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल यानी थीटा पी कहते हैं, और थीटा पी की वैल्यू दिया है 45 डिग्री। यहां से हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हम जानते हैं टैन ऑफ थीटा पी बराबर होता है म्यू के, यानी टैन ऑफ 45 बराबर हो जाएगा म्यू के, लिख लीजिए टैन 45 इज इक्वल टू म्यू। A beam of light is incident on a glass plate at an angle 60 degree. मान लीजिए कि ये कोई glass plate है, इसके ऊपर एक light incident हुई, ऐसा कि उसका angle of incidence 60 degree है। मैं normal बना देता हूँ, मान लीजिए कि ये incident light है, ऐसे कि ये normal के साथ यानी angle of incidence इसका 60 degree है। उसके बाद का स्टेटमेंट, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होती है। हम जानते हैं कि जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाए, उस एंगल को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है 45 दी हुई है। यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू बराबर होता है टैन ऑफ थीटा पी, यानी म्यू बराबर हो जाएगा टैन ऑफ 45,
1045 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। अब स्निल्स लॉ की तरफ आइए, हमको पता करना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये जब मीडिया के अंदर जाएंगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। एक बात तो ये है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ स्निल्स लॉ काम आएगा जो कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर, म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 1 के बराबर है और यहाँ आ जाएगा साइन कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको मालूम करना है, साइन आर को एज इट इज लिखिए। यहाँ से पता चला कि हम साइन आर को अगर इधर बुला ले तो साइन आर बराबर हो जाएगा, 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डिवाइड में आने के बाद भी, यानी यहाँ बचेगा साइन 60 और साइन 60 कितना होता है रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। हमको सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2, बस इसी फॉर्म में आंसर है इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। वैसे इतना तो हमको समझ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 यानी 60 डिग्री होनी चाहिए, ऑप्शन सी की वैल्यू करेक्ट होंगी साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। कंसिडर अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ मासिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल आर के बराबर है विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, जैसे अर्थ और सन की बात चलती है, अर्थ का मास बहुत कम सन का मास बहुत ज्यादा, वैसे ही सिस्टम है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शन है आर टू द पावर -7/2 के। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -7/2, ये डेटा दिया हुआ है, हमको टी स्क्वायर की वैल्यू पता करना है। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा जा सकता है m इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r पावर -7/2। ठीक है, ये मास और r तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे रोटेट करेंगे उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -7/2। अब हम जानते हैं ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/T, सो 2π/T ब्रैकेट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -7/2, बराबर, यानी हम लिख सकते हैं 2π का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4π² अपॉन T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -7/2। 4π² अगेन कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन बनेगी 1/T² इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -7/2, लेकिन हमको t स्क्वायर का रिलेशन निकालना है इसलिए रेसिप्रोकल ले लो तो ये -7/2 का पावर +7/2 हो जाएगा, सो t स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 7/2, यही हमारा आंसर होना चाहिए, चेक कीजिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा r का पावर 7/2। ठीक है, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओहम, द ड्राइविंग सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम। तो बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर की, इस वायर की लेंथ 5 मीटर है और इस वायर का रेजिस्टेंस 16 ओहम है, साथ में एक बैटरी कनेक्ट की गई जिस बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट के बराबर है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओहम के बराबर है। ठीक है, अब ये सर्किट क्लोज हो गया। When the two cells of EMF 1.3 volt and 1.1 volt are connected so as to assist each other and then oppose each other, तो पहले दोनों सेल को ऐसे कनेक्ट किया गया कि वो दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं और बाद में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आपको उनकी बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना है। ऐसा करते हैं, पहले इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कहाँ का, पोटेंशियोमीटर वायर का, जिसे लिखा जा सकता है करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओहम्स लॉ के थ्रू हम करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर एक तो वायर का रेजिस्टेंस होगा और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये I की जगह पर आ गया, बाकी इक्वेशन में बचा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। इसमें डेटा लिख लीजिए, EMF का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया है कितना है 5, वायर का रेजिस्टेंस है 16 अंडर द ब्रैकेट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस 16 इंटरनल रेजिस्टेंस 4 लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर, ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा यानी के आ चुका है 16 अपॉन 16 प्लस 4 यानी 20, हमारा इक्वेशन बनेगा 4/5, 4/5 यानी कितना 0.8 वोल्ट पर मीटर, इतना हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसने दूसरी चीज कहा है कि हमने दोनों सेल को पहले असिस्ट करने के लिए रखा, इसलिए EMF हो जाएंगी E1, क्योंकि हमने उनको असिस्ट करने के लिए रखा है तो EMF दोनों का ऐड हो जाएगा, सो 1.3 प्लस 1.1 इनका एडिशन आ जाएगा 1.4 प्लस 1 यानी 2.4 वोल्ट के बराबर, तो दोनों का एडिशन होने के बाद रिजल्टेंट EMF 2.4 वोल्ट की होंगी। 2.4 वोल्ट का अगर EMF आ गया तो हम बैलेंसिंग लेंथ मालूम करते हैं, सो K कैन बी रिटन एज
E1 अपॉन L1, यानी L1 बन जाएगा L1 इज इक्वल टू E1 अपॉन K, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी आई, E1 की वैल्यू है 2.4 और K का वैल्यू कितना आया, K का वैल्यू है 0.8। अगर हम डेसिमल एक एक आगे ले लें, यानी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, 8 1 8 3 सो आंसर आना चाहिए 3 मीटर। पहली लेंथ 3 मीटर, चेक कीजिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी के अंदर भी 3 है लेकिन बाद में है, यहाँ पहले नहीं, यहाँ भी पहले नहीं, इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम आगे जाके दूसरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जब उन दोनों को अपोज करने के लिए रखा गया तो रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगा 1.3 - 1.1, जिसका मतलब है रिजल्टेंट ईएमएफ आया 0.2 वोल्ट, ये आया दूसरे का रिजल्टेंट ईएमएफ। लेकिन वायर वही पुराना यूज किया गया, इसलिए के को लिखा जा सकता है E2/L2। यहां से पता चलेगा दूसरी मर्तबा की बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी E2/K। डेटा लिख लीजिए, E2 का वैल्यू है 0.2 और पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.8। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2/8, यानी 1/4, और 1/4 कितना होता है, 1/4 0.25 मीटर के बराबर होगा, यानी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मुकम्मल तरीके से सही है, समझा। 4 मासलेस स्प्रिंग्स हुज फोर्स कांस्टेंट आर 2K, 2K, K एंड 2K रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू अ मास कैपिटल M केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो हम मान लेते हैं ये स्प्रिंग नंबर 1 है, ये स्प्रिंग नंबर 2 है, इसको स्प्रिंग नंबर 3 और इसको स्प्रिंग नंबर 4 का नाम देंगे। तो ये 4 स्प्रिंग का यूज करके एक मास कैपिटल M रखा गया, इस सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ मास M इज डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको लेफ्ट ये या राइट जैसा भी मूव करवाया गया, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, तो आपको पता करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम क्या होगा। हम एक फॉर्मूला तो जानते ही है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2π√M/K, है ना। यहां से पता चला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का इनवर्स हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π√K/M, है ना, √K/M, ये फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी का। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले हम के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये स्प्रिंग नंबर 1 और स्प्रिंग नंबर 2 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आने वाला के डैश कितना होता है, के डैश होता है K1 K2/K1+K2। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स हो जाए। वैल्यूज लिख लीजिए, K1 का वैल्यू 2K, दूसरे स्प्रिंग का K 2K के बराबर, और नीचे आ जाएगा 2K+2K, यानी न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू कितनी मिली, वैल्यू मिली 4K2, और नीचे कितनी मिली, नीचे मिली 2K+2K, यानी 4K। यहां K और यहां का K खत्म, 4 और 4 खत्म, यानी K डैश की वैल्यू मिली है K के बराबर, ठीक है, K डैश इज इक्वल टू K। उसी तरीके से ये दोनों स्प्रिंग ना, ये दोनों कौन से, K3 और K4, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाला K इक्विवेलेंट को उन दोनों के एडिशन के बराबर लिखा जा सकता है। सो K3+K4, K3 के वैल्यू कितनी है, K3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है K के बराबर, और K4 कितना है, 2K के बराबर। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 3K। डायग्राम और एक बार बना दीजिए, ये मास है कैपिटल M, यहाँ एक स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3K, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अटैच है। आपको पता करना है यहाँ के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए हम K इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट दोनों के इंडिविजुअल K का एडिशन हो जाएगा, यानी K+3K, यानी के इक्विवेलेंट आ जाएगा 4K के बराबर। अब सारा डेटा अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2π√, मास कितना है जी सिस्टम का, सिस्टम का मास कैपिटल M है और इक्विवेलेंट के आया है 4K, ये हमारा आंसर होना चाहिए 1/2π·m/4K। चेक कीजिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से जो गलत है उसको टिक करना है। ऑप्शन ए फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटीज सेम, ऑप्शन बी फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटीज मोर, ऑप्शन सी फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटीज लेस, और ऑप्शन डी ऑल वेवलेंथ आर इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। अगर हम यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ बना दें तो हम जानते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा कर फॉलो करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये तमाम की तमाम वेवलेंथ इसके ऊपर इमिट होते हैं, अलबत्ता एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ के ऊपर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होती है, उस वेवलेंथ को हम लैम्बडा एम का नाम देते हैं, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एनर्जी इज रेडिएटेड। ये बात बिल्कुल सही है कि हर पॉसिबल वेवलेंथ वहां इमिट होती है, हर पॉसिबल वेवलेंथ वहां इमिट होती है, लेकिन हर वेवलेंथ इक्वल एनर्जी लेकर नहीं आती,
इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। और शॉर्टर वेवलेंथ है या लॉन्गर है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस वजह से एक ही ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है कि यहाँ पर सभी पॉसिबल वेवलेंथ इमिट होते हैं। और किस वेवलेंथ पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो ऑप्शन डी टिक किया जाएगा। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.04 हेनरी। लिख लेता हूं, दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.004 हेनरी के बराबर। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन दी है, इक्वेशन में लिख लेते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन दी हुई है। I नॉट की वैल्यू है 10 एम्पियर, ओमेगा है 15 पाई के बराबर रेडियन पर सेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, तो आपको मालूम क्या करना है, EMF का मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम करना है कि कितना होगा। ठीक है, चलो हम म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ EMF जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, है ना। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दी हुई है, अभी हम इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ये बाहर रहेगा। डिफरेंसिएशन ऑफ करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया है, हमने नोट भी किया, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंसिएशन कीजिए। यहाँ कैपिटल M तो पहले से ही बाहर है और साथ में I नॉट भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंसिएशन के अंदर क्या बचा, डिफरेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। बताइए तो सही, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंसिएशन कितना होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंसिएशन होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। इतना काफी है, नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है, इस वजह से आगे आना चाहिए डिफरेंसिएशन ऑफ ओमेगा टी। यानी ईएमएफ का हमको फंक्शन मिला एम टाइम्स ऑफ आई नॉट और साथ में कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंसिएशन आ जाएगा ओमेगा। ये ईएमएफ का फंक्शन है। अगर हम चाहते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये फंक्शन के अंदर कोई एक टर्म मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए। एम नहीं बदल सकता, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी ने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचना चाहिए। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह पर 1 रख लीजिए, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा एम इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा। समझ गए, अब बस डेटा रखना है। एम की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्शन है 0.004, जिसे लिखा जा सकता है 4×10⁻³। करंट का वैल्यू आई नॉट 10 के बराबर है और ओमेगा कितना है, ओमेगा 50 पाई के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ये जीरो 10⁻² और यहाँ का 10⁻², खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, 4×10⁻¹ × 5 और साथ में आ गया पाए, 5×4=20, यानी 20×10⁻¹ π। ये एक जीरो 10⁻¹ को खत्म करेगा, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू 2π के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू 2π। चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।